आप सभी उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों को इंतजार करवाया इसके लिए बहुत बहुत मेरे दिल से माफी मांगना चाहता हूं आपको लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो एक छोटा सा पार्ट रह गया था उसको हम लोग लास्ट में करेंगे ठीक है तो उसका नाम है स्टोन एंड स्टोन मैसेनरी एग्जाम में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग से ही पूछे जाते रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कैसे हैं आप लोग कल की क्लास कैसी लगी है परसों की क्लास कैसी लगी है अभी तक का सब कुछ आपको कैसा लगा है कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है अच्छा बहुत सारे बच्चे जो अभी तक परेशान हो रहे थे उनको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे वो पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर ही मिलेंगे सो जब आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाएंगे फ्री क्रैश कोर्स पे जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी ओके चलिए समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी जल्दी से एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हो आप लोग

जितने भी मेरे से हो सकते हैं मैं अपने एफर्ट्स डाल रहा हूं ठीक है और बताइए बाकी सब लोग कैसा चल रहा है क्लास वगैरह सब कुछ एकदम थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही है एनर्जी एक बार आ जानी चाहिए ठीक है जल्दी से एक बार एनर्जी दिखनी चाहिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हाँ जी जल्दी से शुरू करें फिर स्टार्ट करते हैं चलिए चार सौ बच्चे देख रहे हैं पांच सौ होते ही हम लोग शुरू कर देंगे ये टॉपिक बहुत ही शानदार है बहुत ही ज़बरदस्त है सो so, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये वाला जो टॉपिक है ठीक है जल्दी से बताएंगे सभी लोग कैसे हैं आप लोग और जितने बच्चे ऐड होते जा रहे हैं आप सभी मुझे अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जल्दी से जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जल्दी से बताएंगे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं तो कैसा लगा था आप लोगों को सीमेंट चैप्टर में आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी हाँ सीमेंट हम लोग आज स्टोन चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी आती है जो चैप्टर हम लोग बात कर रहे थे उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन वाला जो टॉपिक आपका रह गया था उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे ठीक है सभी को क्लियर हो गया सारी चीजें बहुत बढ़िया बहुत ही बड़ी चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को तो सबसे पहले तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने इस पॉइंट के ऊपर देखिएगा एक बार थोड़ा कलर बदल लिया जाए पेन का जो मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के लिए दिस इज द कलर ओके चलिए इस देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है सर बी एंड सी ओके okay, हाँ कंक्रीट भी कवर करूंगा मैं इसी के अंदर ओके okay? दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास बी एम सी एनसी सब्जेक्ट का नाम है स्टोन एंड स्टोन मैस्तरी दिस इज द नेम ऑफ द लेक्चर ओके अब इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है सर हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं सर रॉक एंड स्टोन क्या क्या पढ़ने वाले हैं रॉक एंड स्टोन उसके बाद में स्टोन एंड मैसनरी और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि हम लोग डेली देखते ही है और बीएमसी किंग बोलने के लिए धन्यवाद आप लोगों का और ये जो हैशटैग है वो एकदम ट्रेंडिंग पे होना चाहिए और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बीएमसी में आपको किंग से भी ऊपर बना के रख दूंगा ठीक है चलिए और ये सब आप लोगों का प्यार है बाकी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो लेकिन जिस चीज से मैं नाराज हूं वो भी तो पता होनी चाहिए तो क्या मैं वो बता दूंगी जिस चीज से मैं नाराज हूं आप लोगों से बता दें एक बार जल्दी से तो देखिएगा बेटा मैं नाराज हूं आप लोगों से माइंडसेट बिल्कुल खराब है माइंडसेट जो है ना वो आप लोगों का एकदम खराब है बोलोग सर कैसे माइंड कैसे खराब है वो इसलिए खराब है पहले दिन से जो बातें जो प्रोमिस आप लोगों ने मुझसे किए थे वो सारे प्रोमिस अब मुझे फेक फेक दिखते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रेगुलर आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस वीडियो को सिर्फ दो मिनट पांच मिनट दस मिनट देख रहे हैं या उन बच्चों से जो डेली आ रहे थे पहले दिन आए थे दूसरे दिन आए थे लेकिन तीसरे दिन कहां गायब हो गए मुझे तो यह समझ में नहीं आता हजार बच्चा बैठा है उसमें से अगर आज पांच सौ सात सौ आठ सौ बच्चा बटा बचा तो वो चार सौ बच्चा क्यों आया था इस जगह पे क्या पागल हो गए हो आप लोग मतलब आप लोगों का जो दिमाग है वो किस जगह पे माइंड सेट करके बैठे हो मुझे समझ में नहीं आता है तो <coughs> जैसा मैंने यहां पे आपको दिखा रहा हूं हाउ टू हैव अ मनी माइंड सेट मनी माइंड सेट पैसा कमाना चाह नहीं बच्चे माइंड सेट का मतलब है सबसे पहले समझो इस बात को लिख रहा है फॉरगेट योर पास्ट जो आप लोगों ने गलतियां कर दी उन चीजों को गड्ढे में डाल दो फॉरगेट योर पास्ट चेंज योर हिस्ट्री चेंज ऑर हिस्ट्री कैसे पढ़ के हो सकती है हिस्ट्री चेंज आपकी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो हर एक चीज की तभी बोलते ना सर याद नहीं हो रहे हैं नोट समझ में नहीं, नहीं आ रहे हैं सर पढ़ रहे हैं लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आ रही चीजें सो दिस इज द प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड उसके बाद में नो योर वर्थ अपनी वैल्यू पहचाने आप क्या हैं आप क्या कर सकते हैं अपनी वैल्यू पहचान सेल्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है पे पे देखो एक एक सामने एक इंसान है वो अपने में अंदर बिलीव रखो दूसरा क्या लिखा है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मनी आपने जो पैसा दिया कोर्स खरीदा आपने जो जो चीजें आपने समझी जिसमें भी पैसा दिया चाहे कहीं रूम रूम लेकर रह रहे हो खाना खा रहे हो कहीं बाहर रह करके यहां पे तैयारी कर रहे हो वैल्यू एंड रिस्पेक्ट और मनी अपने पैसे की कीमत निकालना सीखें तीसरा टेक स्मॉल स्टेप एकदम पहाड़ खड़ा करने की कोशिश ना करें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ बढ़ें और आगे बहुत लंबा चले ठीक है देन उसके बाद मैं लिखा लेजर लेजर का मतलब होता है कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं जीवन में उन सभी को त्याग दो उन सभी से कोई मतलब मत रखो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी देन उसके बाद क्या लिखा नो मोर कंप्लेनिंग कंप्लेन करना बंद कर दो कि हमें तो सर टाइम नहीं मिलता हमें तो खाना बनाना पड़ता है मैं तो ये करना करना पडता है वो कंप्लेन छोड़ दो नेक्स्ट उसके बाद विजुअलाइज योर सक्सेस अपना जो सक्सेस है उसको देखने की कोशिश करो लंबे समय तक आप कैसे इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे इसके बारे में सोचो नेवर स्टॉप लर्निंग कभी भी सीखना बंद मत करो एक्शन ओवर द एक्सक्यूजेज जो भी एक्सक्यूजेज हैं उनके ऊपर एक्शन लेना सीखिए दिस इज दिस शुड बी योर एटीट्यूड ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए मनी माइंड सेट मतलब लाइफ में अगर आप लोग मनी माइंड सेट का मतलब होता है कि आपका माइंड कितना रिच हो सकता है आपना, आपका कितना ज्यादा अच्छा सोच सकता है ये सारी चीजें आपकी मनी माइंड सेट इन सारे पॉइंट से मिल करके होंगी कैसी लगी ये चीज ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं डेली क्यों लेके आता हूँ ताकि आप लोग शुरू कर सके मजा आए आप लोगों को एक एनर्जी लगे इस दो मिनट के अंदर मैं आपको वो समझाता हूं जो आप लोग डेली भूल जाते हैं जानते हुए भी और जो बच्चा मुझे कह रहा है कि सर पढ़ा दो अभिषेक तोमर तो बेटा थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे पोलाइट रहोगे ना मेरे साथ में तो मैं भी बहुत पोलाइट हूं लेकिन आप पोलाइट नहीं रहोगे तो मैंने आपको बुलाया नहीं पढ़ाने के लिए ठीक है इस बात को ध्यान रखना आप लोग ओके चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं मजा आएगा आप लोगों को क्लास के अंदर थोड़ा सा अपनी तहजीब में रहना सीधा यही दुर्भाग्य है इस ऑनलाइन एजुकेशन का कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा सामने बैठे हो क्लास में तो समझ में आता तुमको कि क्या होता है टीचर ओके चलिए स्टार्ट करें फिर हम लोग बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही से रहें जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं यहाँ ऑनेस्ट फीडबैक आपको दे रहा हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सो so, यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है जितने भी सिविल इंजीनियर मजा आएगा आप लोगों को एनर्जी दिखाना जबरदस्त तरीके की देखिए बेटा सिविल 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 इंजीनियरिंग 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 मटेरियल्स मटेरियल्स क्या होते हैं? या जो होते हैं हैं या स्ट्रक्चर जो वो अलग अलग टाइप के मटीरियल से मिलकर के बने होते हैं जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं चाहे वो आपका कांच की बिल्डिंग है चाहे वो आपका कोई घर है चाहे वो आपका कोई मैरिज गार्डन है चाहे वो रिसोर्ट है चाहे वो आपका एक हॉस्पिटल है होटल है स्कूल है कॉलेज है वो सभी क्या होते हैं बेटा? ये आप सभी आप सभी लोगों के अलग अलग टाइप के मटीरियल के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने होते हैं अब वो मटीरियल क्या क्या है सबसे पहला सुनेंगे ब्रिक सीमेंट कंक्रीट, सैंड रेनफोर्स ग्लास प्लास्टिक वुड टाइल्स ये सभी हो सकते हैं इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ठीक है क्या कह रहा हूं मैं इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है ओके तो क्या लिखा मैंने ब्रिक सीमेंट कंक्रीट सैंड रेनफोर्समेंट ग्लास प्लास्टिक वुड टाइल आपने देखा ना एक घर के अंदर लकड़ी भी लगी हुई है रेनफोर्समेंट भी लगा है ईंटें भी लगी है सीमेंट भी लगा है कॉन्क्रीट भी लगा है ग्लास भी लगा हुआ है विंडोज वगैरह में या एलिवेशन पे भी टाइल्स भी लगे हुए हैं फ्लोर पे दीवारों पे वुड लगा हुआ है प्लास्टिक लगा हुआ है पीवीसी लगा हुआ है इतने सारे मटेरियल से मिला करके है ना तो आपके पास क्या आएगा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है अब इन इन स्ट्रक्चर में सारे अलग-अलग मटेरियल्स -अलग को भी हमने क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है अलग अलग टाइप के मटेरियल के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्माण कार्यों में कंस्ट्रक्शन कार्यो में यूज करने के आधार पर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल बीएम को सीएम का मतलब क्या हुआ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल तो इसको हम लोग क्या करते हैं तीन तरीके से हम बांटते हैं ठीक है तो क्या लिखा हुआ सॉलिड मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल प्रोटेक्टिव मटेरियल एक बच्चा पूछ रहा है सर कॉन्क्रीट क्या मटीरियल है तो कॉन्क्रीट एक कंपोजिट मटीरियल है बेटा क्या है एक कंपोजिट मटीरियल जो कि सीमेंट सेंड ये तो बच्चा बच्चों वाला क्वेश्चन होगा सीमेंट सेंड एग्रीगेट वाटर एडमिक्चर इन सभी से मिलकर के कौन बना है कॉन्क्रीट तो कॉन्क्रीट एक कंपोजिट मटीरियल है ठीक है थीके? अब देखो सबसे पहले आएंगे आपके बिल्डिंग मटीरियल को यूज के आधार पर सॉलिड मटीरियल देखिए सॉलिड मटीरियल क्या होते हैं ऐसे मटीरियल जो सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली मिल जाते हैं जैसे कि ईंटे हो गई टिम्बर हो गया स्टील हो गई आयरन हो गया ये सभी क्या है आपके यहाँ पे दैट आर द सॉलिड मटीरियल जैसे स्टोन हो गया ये सभी सॉलिड मटीरियल बाइंडिंग मटेरियल जो कि बंधक पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं बंधक मतलब बांधने वाला पदार्थ तो कौन से हुए क्ले हुआ लाइम हुआ सीमेंट हुआ बिटुमेन हुआ अस्फाल्ट हुआ कोल हुआ टार हुआ मतलब कि क्ले ठीक है उसके बाद में लाइम चूना सीमेंट बिटुमेन अस्फाल्ट कोल टार ये सभी क्या है बेटा दीज आर द बाइंडिंग मटेरियल्स क्या है बाइंडिंग मटेरियल्स हैं आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है प्लास्टर प्रोटेक्टिव मटेरियल जो प्रोटेक्शन करते हैं जैसे कि पेंट प्रोटेक्शन करता है वार्निश करता करता है, करता है, इवन बिटमन को देखा होगा आपने रोड पे बिछाया जाता है सॉरी प्लास्टर तो तो, मतलब जो हम लोग करते हैं प्लास्टर दीवारों पे वो प्लास्टर पेंट वार्निश डिस्टम्पर बिटमिन टार एस्फॉल्ट तो देखो बिटमिन टार और एस्फॉल्ट बाइंडिंग मटेरियल भी हैं Covering material भी हैं। क्या कह रहा हूं बाइंडिंग मटीरियल भी है और आपके पास में भी होते हैं। बात समझ हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी भी मटीरियल किले के फॉर्म होती है ना अलग अलग तो उसको भी हम लोग एज अ बाइंडिंग मटीरियल यूज करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट मतलब है उनकी

आयरन है स्टोन है मतलब आयरन अब दिमाग में लग, मत लगाने इस पे अभी बेसिक बात करें आयरन है स्टोन है ब्रिक है इनमें आपका कार्बन नहीं पाया जाता मुख्य रूप से ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारा या आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक अब हम लोग पढ़ रहे हैं रॉक एंड स्टोन के बारे में ठीक है जल्दी से एक बार कॉमेंट बॉक्स में दिल बिल सब आ जाना चाहिए खतरनाक तरीके से ठीक है और इसको हम लोग शुरू करेंगे ठीक है इसको हम लोग शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से चलिए देखेंगे एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक के बारे में डिस्कशन में आपसे करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देखो जो आपके पास स्टोन होता है रॉक जो होती है लिखा हुआ ना जगह पे रॉक्स जो होती हैं मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोलॉजिकल इसको ध्यान से देखना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब इनकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जियोलॉजी का जियोलॉजी क्या हुई एक तरीके से इनकी ओरिजिन उनकी उत्पत्त, उत्पत्ति के आधार पर देखा जा सकता है दूसरा इनके फिजिकल फिजिकल जो गुणधर्म हैं उनके आधार पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसके अलावा इनकी रासायनिक जो आपके पास कंपोजिशन संगठन होते हैं उनके आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल को तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं पहला आपके पास में आएगा दैट इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दूसरा आएगा फिजिकल तीसरा आएगा केमिकल कंपोजिशन तीन आधारों पर हम एक सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल यहां पे देखो रॉक लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या लिखा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा क्या लिखा हुआ है फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या लिखा हुआ है केमिकल क्लासिफिकेशन तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने जियोलॉजिकल में तीन नाम आएंगे इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टाने क्या आएगा इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टाने सेडिमेंट्री मतलब अबसादी चट्टाने अबसादी चट्टाने और तीसरा मेटामॉर्फिक मतलब की कायंत्रित या रूपांतरित चट्टाने क्या होगा कायंत्रित या रूपांतरित चट्टाने ठीक है कायंत्रदया रूपांतरित चट्टान है उसके बाद फिजिकल में तीन तरीका आएगा स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड वो रॉक जिनके अंदर परतें पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड रॉक दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड जिनके अंदर परतें नहीं पाई जाती वो अनस्ट्रेटिफाइड तीसरा ऐसी पर, ऐसी रॉक जिनके अंदर आपके पास एक जो चट्टान होती है वो दो

कैलसी रॉक इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है समझ कहानी आप लोगों को तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन इसको धीरे धीरे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ठीक है मैंने ब्रिक बोल दिया था गलती से लेकिन स्टोन इस इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं उसके बाद में ब्रिक है वो शायद मेरे माइंड से निकल गया था इस लाइन वाले टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे टेंशन मत लीजिए कंप्लीट होगा सब कुछ कंप्लीट होगा धैर्य बनाए रखिए बने रहिए क्लास के अंदर सब कुछ कराऊंगा टेंशन मत लीजिए चलिए अब इसके बाद में हाँ, आज ब्रेक मेरे माइंड से स्लिप हो गया था ब्रेक नहीं था ब्रेक कल होने वाला है ब्रेक कल वाली क्लास में होगा आज स्टोन पढ़ेंगे हम लोग ठीक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिक भी होगा टेंशन मत लीजिए ब्रिक नेक्स्ट वाली क्लास में होगा मुझे ऐसा ध्यान था कि पहले सीमेंट है फिर ब्रिक है फिर स्टोन है लेकिन अभी ऐसा है सीमेंट है फिर स्टोन है फिर ब्रिक है ओके चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के आधार पर हमने किया इसको डिवाइड नेक्स्ट देखें हम लोग तो नेक्स्ट देखो ये चीज समझ में आ गई कि रॉक को हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर और तीसरा केमिकल कंपोजिशन के आधार पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं एक बात स्टोन अब स्टोन जो होता है रॉक समझ में आ गई इनको एक एक करके क्लासिफाई करूंगा टेंशन मत लो अब जनरली रॉक और स्टोन दोनों की क्लासिफिकेशन चल रही है तो बेसिकली मैंने बोला कि जो आपके rock, जो आपके पास रॉक स्टोन स्टोन होते हैं कहां से आपके ड्राइव किए जाते हैं कहां से निकाले जाते हैं तो चट्टानों से निकाले जाते हैं भाई पत्थर कहां से निकाला जाएगा चट्टानों से निकाला जाएगा और जो आपके पास चट्टाने होती है ना वो नॉन होमोजीनियस होती है क्या होती है बच्चे नॉन होमोजीनियस आपके पास में चट्टाने होती हैं चट्टाने क्या होती है आपकी नॉन होमोजीनियस आपके पास में होती है अब सुनेंगे अकॉर्डिंग टू द मिंडल मिंडल के आधार पर आपके पास में जो चट्टाने हैं वो कितने तरीके की होती है मिंडल के आधार पर जो चट्टाने हैं वो आपकी कितनी तरीके की होती है इसको सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मोनो मिंडल रॉक के बारे में बात करेंगे मोनो मिंडल मोनो मतलब एक क्या होता है मोनो का मतलब होता है बेटा एक मोनो का मतलब होता है वन मतलब एक ऐसी रॉक जिसके अंदर सिर्फ एक मिनरल पाया जाता है उसको मोनोमिनरल ऐसी रॉक जिसके अंदर एक से ज्यादा या दो, दो से ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं उसको पॉलीमिनरल रॉक बोलते हैं क्या समझ में आया ऐसी रॉक जिनके अंदर मतलब एक ही मिनरल पाया जाएगा मिनरल या एक ही खनिज पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मोनो मिनरल जिसके अंदर एक दो या दो से ज्यादा खनिज पाए जाएंगे उसको बोलेंगे पॉली मिनरल तो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है रॉक विच कंटेन ओनली वन मिनरल ऐसी रॉक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मिनरल पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉली सॉरी मोनोमिनरल रॉक अब देखो जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो सभी आपकी मोनोमिनरल रॉक की कैटेगरी में आती हैं इस बात को ध्यान रखो ठीक है जितनी भी आपके पास में मोनोमिनरल रॉक है वो सभी किसकी कैटेगरी में आती है बेटा वो सभी आती है आप लोगों की आ, आ, सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लिखा है पॉलीमिनरल रॉक ऐसी रॉक जो कि मुख्य रूप से ऐसी रॉक पॉलीमिनरल रॉक क्या होती है ऐसी रॉक जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा मिनरल पाए जाते हैं उनको हम लोग पॉलीमिनरल रॉक कहते हैं जितनी भी आपके पास में इग्नियस रॉक होती है जितनी भी ज्यादातर इग्नियस रॉक जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पे पॉलीमिनरल रॉक कहलाती है आप एग्जाम्पल समझते हैं जैसे मैंने बोला कि जितनी भी ज्यादातर आपकी मोस्ट ऑफ द सेडी सारी नहीं कहूंगा लेकिन 95 परसेंट जो रॉक है वो आपकी कैसी होती है मोनोमिनरल होती है कौन सी सेडिमेंट्री कैसे देखो क्वार्स सैंडस्टोन प्योर जिप्सम मैग्नेसाइड या लाइम भी ले सकते हो इसके अंदर बहुत सारे हैं आपके पास शैल हो गया स्लेट हो गया ये सभी के आपके पास में तो ये सभी की सभी आपके किस्म माने जाएंगे मोनो मिंडल रॉक की कैटेगरी में माने जाएंगे जहां पे दो या दो से ज्यादा मिनरल पाए जाएंगे वो सभी इग्नियस रॉक की कैटेगरी में अब जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा आप याद कर लेना जैसा मैं बोल रहा हूं अभी वो आप याद करो फिर आपको आगे बताऊंगा इसका रिजल्ट देखो ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसाल्ट क्या बोला ग्रेनाइट डोलेराइट

जीडी लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर सभी का साहब क्योंकि मैं क्यों याद चीज आगे आगे के बारे में पता चलेगा ठीक है चलिए बढ़ जाए आगे हम लोग बहुत बढ़िया जीडीटीबी जीडी टीबी हो जाना चाहिए एकदम खतरनाक तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन पक्का करवा दूंगा आपका गलत नहीं होगा कभी भी ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब देखो एक क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया यहां से बेसिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट है सबसे पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन अब मैंने क्या बताया था बेटा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक तीसरा फॉलिएटेड रॉक तीन से कौन सा है फॉलिएटेड रॉक तीन तरीके के रॉक मैंने आपको बता दी कौन सी Statisfied, सर, सर और और आपकी फॉलिएटेड रॉक कौन-कौन सी बता दी, और आपकी ये मैंने आपको बता दी। यहां तक सभी को जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे यहां तक सभी को क्लियर है बेटे चलो अब आगे देखेंगे परतें पाई जाती है परतें नहीं पाई जाती अनस्टेटिफाइड ऐसी रॉक जो एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति रखती है उनको क्या बोलेंगे रॉक तो मतलब मतलब तो आपकी कैसी होती हैं स्टेटिफाइड रॉक होती हैं तो यहां पे क्या लिखा है मैंने रॉक विच शो द लेयर फॉर्मेशन मतलब जिसमें परतें पाई जाती हैं ठीक है परतें पाई जाती हैं ऐसी रॉक जिनमें परतें पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पढ़ते हैं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक आगे लिखा यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखो लाइम स्टोन नई नई चीजें जुड़ रही हैं अब धीरे धीरे देखो ये सब भी एग्जाम्पल किसके थे सेडिमेंट्री क्वाड सैंडस्टोन प्योर जिप्सम मैग्नेसाइड अब कुछ और नाम जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे कौन कौन से सर लाइम स्टोन सैंडस्टोन चौक जिप्सम लेटराइड शेल आ, शेल इटीसी ये सभी सेडिमेंट्री रॉक है वो भी जैसे यहाँ पे लिखा था ना एक देखा था मैग्नेसाइड क्वाड ये सभी भी सेडिमेंट्री रॉक ही है ठीक है तो मैंने क्या बोला जितनी भी आपके पास सेडिमेंट्री रॉक होती है वो सबके सब आपकी स्टेटिफाइड रॉक होती है आगे सुनेंगे तो जितनी भी आपकी रॉक रॉक होती होती वो सब, के सब होती है। मतलब कि यहां पे परतें नहीं पाई जाती, रखना। क्या मैं? परतें नहीं पाई जाती। है और भाई अभी तक जिसने भी टेलीग्राम को नहीं किया है, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते है। मुझे सब पे, है? यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां पे आपको कंफ्यूजन को दूर करता रहता हूं क्लियर है सभी को ओके वेरी नाइस बहुत बढ़िया अब देखेंगे आगे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है है आपके पास जितनी भी इग्नियस रॉक अब देखो यहां पे वापस से ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसाल्ट अच्छा यहां तक मैंने आपको याद करा दिया था ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसाल्ट है ना बेसाल्ट तक याद करा दिया था एक और नाम आ गया यहां पे जिसका नाम है डायोराइट क्या नाम है डायोराइट तो ये भी पता चलेगा कि डायोराइट भी एक इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आती है नेक्स्ट देखेंगे Rock क्या होती ऐसी जो एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति रखती हैं उन्हें उन्हें आगे examples भी question भी कराऊंगा कराऊंगा हम लोग क्या कहते है जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो सभी रॉक होती है अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर व्हाट इज दिटेड रॉक फॉलिटेड रॉक होती क्या है तो देखो फॉलिटेड रॉक का मतलब या मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है जैसे ये दो चट्टान है देखो मेन चट्टान कौन सी है, पता है आपको मेन चट्टान है इग्नियस रॉक मेन चट्टान कौन सी है इग्नियस रॉक रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं मदर रॉक बोलते हैं किसको बोलते हैं इग्नियस मदर रॉक इग्नियस रॉक को कमेंट बॉक्स में लिखोगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे मदर रॉक और आगे लिखोगे क्या पहले लिखिए मदर रॉक और आगे लिखिए इग्नियस रॉक जल्दी से लिखिए कॉमेंट बॉक्स में

ये एक नई चट्टानों में बदल जाती हैं जिन चट्टानों को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं आगे एक्सप्लेन करूंगा और बढ़िया तरीके से टेंशन मत लीजिएगा बढ़िया जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा बस देखते हुए जाए पढ़ते हुए जाए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं देखो सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है इस जगह पे मैंने लिखा सर सिलीसियस रॉक जो होती है क्या लिखा मैंने सिलीसियस रॉक के बारे में बात करूंगा

दूसरा यहाँ पे ये जो रॉक्स होती हैं आपकी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं काफी हार्ड होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं इनके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं देखिए सैंडस्टोन 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 क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या बोला ग्रेनाइट। सेंड्स्टोर्न, अच्छा सैंडस्टोन कैसी रॉक थी अभी बताई थी जस्ट आपको ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है ऐसा नहीं है आपकी भाई सारी सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक आपकी कोई एक रॉक की कैटेगरी में आ जाएगी नहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा जितनी भी आपके पास सेडिमेंटरी रॉक है वो सब की सब आ, क्या है आपके पास जब हम बताते थे आपकी मोनोमेंडल होती हैं स्टेटिफाइड होती हैं लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है जैसे यहां पे लिखा सैंडस्टोन सैंडस्टोन इसका एग्जांपल है अब कैसी रॉक होती है तो पता है तुमको सेडि... क्वार्टजाइट के बारे में अभी बात करूंगा देखो ग्रेनाइट कैसी रॉक होती है अभी बताया था था ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप याद कराया तो ग्रेनाइट कैसी रॉक है आपकी इग्नियस रॉक है लेकिन अब एक नई चीज आई जिसका नाम है क्वार्टजाइट तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं देखो बेटा जो सैंडस्टोन होता है ना ये सैंडस्टोन आपका क्वाडजाइट में बदलता है क्या कह रहा हूं मैं सैंडस्टोन जो होता है ये ही आपका इसके जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होता है यहां पे लिख दू मैं चाहे चीज को जो आपके पास में बेटा सैंडस्टोन है इस सैंडस्टोन के टेम्परेचर और टेम्परेचर और प्रेशर में मतलब कि मेटामोर्फिज्म प्रोसेस से मेटामोर्फिज्म मेटामोर्फिज्म प्रोसेस से जब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होता है तो ये रॉक आप लोगों की किस में बदल जाती है बेटा ये आपकी क्वाडजाइट के अंदर बदल जाती है किस में बदल जाती है क्वाडजाइट के अंदर क्वाडजाइट के अंदर बदल जाती है ये आप ध्यान रखेंगे अच्छा फिर उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो क्वाडजाइट है ये आप लोगों की एक मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आ गई क्या होगी बेटा ये आपकी एक मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आ चुकी है और एक और चीज आप लोगों को जबरदस्त बता देता हूं कि ये जो आपकी क्वाडजाइट है इसका मौसम के खिलाफ विरोध करने की क्षमता सारे स्टोनों में सबसे ज्यादा है क्या कह रहा हूं मैं मोस्ट वेदरिंग वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मोस्ट वेदर मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी

जल्दी से लिखेंगे मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आप लोगों के पास कौन सी होती है कौन से स्टोन की होती है ये बात आप लोग जल्दी से लिख दीजिए मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपके पास में कितनी होती है ये जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपके पास में कौन सी होती है किसकी होती है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए क्वार्टजाइट बिल्कुल और क्वार्टजाइट कहां से आता है बेटा सैंड स्टोन से ही आप लोगों का क्वार्टजाइट जो है मिलता है सैंड स्टोन से क्या मिलता है बेटा आपका सैंड से ही आप लोगों का क्वार्टजाइट जो है वो देखने को मिलता है सैंड से क्या बनता है आपका जो है देखने को मिलता है और भाई मतलब, भेजते भेजते नहीं हो गया जहां भेजना चाहिए मतलब तक, बच्चों तक पहुंचना चाहिए अभी इतने से बच्चे देख रहे हैं मैं चाहता ही नहीं उतने बच्चे आप यार सही जगह पे भेजा भी करो आप अपना काम भी किया करो ताकि हमें और भी मजा आए पढ़ने में कंपटीशन तो पता चले कि इंडिया में आप लोगों का सही में कंपटीशन कितने बच्चों से चल रहा है बात सही है कि नहीं है चलिए तो देखें आगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला दैट इज द दैंडस्टोन को मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू हमने क्वारजाइड में बदल दिया और ये मेटा मेटामॉर्फिक रॉक हो गई ये मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को शो करती है तो अब दिमाग में फिट हो गया सर Sandstone को में बदल दो तो सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट दोनों ही आपकी रॉक है, आप है? है और ग्रेनाइट किया जाता है ध्यान इस बात का आगे देखना ग्रेनाइट के बारे में आपको हजारों चीजें बताऊंगा पहली बात तो ग्रेनाइट आपका कैसा रॉक हो गया मोनोमिनरल रॉक हो गया देखो एग्जाम में आ जाए कभी तो बता दो कि ये आपका एक मोनोमिनरल रॉक की कैटेगरी में आ गया एक तो इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी में आ गया सर मोनोमिनल हो गया दूसरा आपको बता दिया अनस्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की कैटेगरी में आ गया तीसरा सर तीसरा आपका इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आ गया

ठीक आपकी उपस्थित होती, तो होती है लेकिन ब्रिटल ब्रिटल का मतलब होता है बेटा भंगुर मतलब ऐसी मटेरियल जो कि वार्निंग नहीं देती फेल होने से पहले डायरेक्ट क्या हो जाती है फेल हो जाती है ब्रिटल फेलियर को शो करती है ठीक है नेक्स्ट आपके पास में एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल बेटा एक है का एक है आपके पास लेटराइट एक है स्लेट और एक है एल टू थ्री ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बेटा ये सब कुछ आप लोगों को याद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से ठीक है याद हो जाएगा सभी को बहुत अच्छे नेक्स्ट देखेंगे सर नेक्स्ट आपका कैलसीरियस रॉक कैलसीयस रॉक के बारे में बात करेंगे तो कैल्सि रॉक क्या है सबसे पहले क्या लिखा मैंने जहां पे आपके पास लाइम स्टोन लाइम स्टोन बोल दो या बोल दो CaCO3 को क्योंकि इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं CaCO3 मुख्य रूप से उपस्थित होता है ऐसी रॉक जिनके अंदर CaCO3 मुख्य रूप से मुख्य रूप से उपस्थित होता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं कैलसीरियस रॉक क्या बोलते हैं कैलसीरियस रॉक बोलते हैं तो ये भी आप लोगों की हार्ड और ड्यूरेबल होती है लेकिन इसके एग्जाम्पल याद करना भी बड़ा आसान है पहला एग्जाम्पल है इसका लाइम और दूसरा है इसका मार्बल अब देखो इसके बारे में थोड़ी कहानी बता देता हूं सर लाइम ही जो होता है ना वो मार्बल में बदल जाता है क्या कह रहा हूं मैं यहां पे लिख देते हैं इस बात को कि सर जो आप लोगों का लाइम होता है लाइम जो होता है ये मेटामोर्फिजम प्रोसेस के थ्रू क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के थ्रू किसमें बदल जाता है बेटा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के थ्रू ये आप लोगों का मार्बल में चेंज हो जाता है किस में चेंज हो जाता है बेटा ये आप लोगों का मार्बल में चेंज हो जाता है और मार्बल आपका डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है ठीक है कहा किया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम लोग मार्बल को यूज करते हैं ये सभी बच्चे याद रखेंगे सही है बात एकदम ध्यान रखो एग्जाम में क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे दो एग्जांपल हुए लाइमस्टोन और मार्बल तो लाइमस्टोन से क्या हो जाता है बेटा मार्बल में आपका चेंज जो है हो जाता है कैसे चेंज होगा बेटा ये आप लोगों का हां ये आप लोगों का मार्बल कैसे चेंज होगा लाइमस्टोन का जब टेंपरेचर और प्रेशर टोन का जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है लैमस्टोन का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है तो उसको मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस बोलते हैं और उसी प्रोसेस के थ्रू ये मार्बल में चेंज हो जाता है और मार्बल आप लोगों का एक डेकोरेटिव कामों में यूज में लिया जाने वाला है एक पत्थर है चलिए आगे बढ़ जाए सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे खतरनाक क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे आने वाले क्लासिफिकेशन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को अच्छे से बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई क्योंकि एग्जाम में यहां से आते हैं ठीक है तो देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ सर रॉक साइकिल एक लिखी हुई है रॉक साइकिल क्या है देखो मैंने आपको क्या बताया एक ही रॉक है दुनिया में कौन सी रॉक है इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनी है और उस इग्नियस रॉक से ही इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनी है और उन्हीं से आप लोगों की मेटामोर्फिक रॉक बनी कैसे देखेंगे एक बार

क्लासिफिकेशन कोई बात नहीं यार इतना का ये घबराते हो ये चलता रहता है ये लो पीला कलर कर देते हैं इस पे अरे तुम तो बहुत तेज हो गए हो भाई क्लासिफिकेशन ओके सही है बेटा ठीक है क्लासिफिकेशन सही हो गया आप तो टेंशन नहीं है किसी को चलो जल्दी से बताइए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चलिए आगे देखते हैं एक बार क्या चल रहा है नेक्स्ट पॉइंट आपका अब धीरे धीरे करके एक एक करके आपको क्या समझाऊंगा आपका पहला अब हमने सारे पढ़ लिए इग्नियस के बारे में बार देंगे मुझे जल्दी से यहां तक एक बार क्लियर कर दें फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं क्या चल रहा है ओके जल्दी से बता दें यहाँ तक भाई आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है बच्चे मजा आ रहा है पढ़ने में कंटेंट मिल रहा है एग्जाम में आने लायक एग्जाम कंटेंट होना चाहिए भाई आप लोगों के पास में ठीक है जल्दी से बताएं मुझे यहां तक कमेंट बॉक्स में फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं चलिए एक एक बस मैसेज किसका है है ठीक चलिए हाँ जी, हां जी। हां। ओके अभी देखते हैं एक बार इसको

इग्नियस रॉक समझ में आगे कहानी अब आगे लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी पर ऑलमोस्ट पैंसठ प्रतिशत जो मात्रा में नेचर के अंदर आपके पास कौन सी रॉक है इग्नियस रॉक ही हैं। मतलब पूरे नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी रॉक उपस्थित हैं? आपकी इग्नियस रॉक उपस्थित हैं। इसीलिए दीज आर रॉक दीज रॉक आर कॉल्ड द मदर रॉक इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे इनको हम लोग मदर रॉक कहते हैं ध्यान रखना मैंने क्या बोला था इन रॉकस को हम लोग क्या बोलते हैं These rocks आर नोन एज द मदर रॉक इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग क्या कहते हैं बच्चे इनको हम लोग मदर रॉक कहते हैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद सर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सर समटाइम्स पहले एक बार था, फिर the पिघल जाते हैं 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 ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं और के ठंडा जमने के कारण से ये वाली बनती है अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत सिंपल है सुनना एक बार ध्यान से पहली बात तो इग्नियस मतलब इग्नाइट मतलब आग के कारण से उत्पन्न होने वाली रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं इग्नियस रॉक पूरी अर्थ में मतलब नेचर के ऊपर इग्नियस रॉक आपकी 65 प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है तीसरा पॉइंट इग्नियस रॉक को हम लोग मदर रॉक भी कहते हैं चौथा पॉइंट सुनिए क्या होता है अर्थ सरफेस जो है ना अर्थ सरफेस के नीचे अर्थ सरफेस के नीचे क्या करूं ध्यान से सुनना अर्थ सरफेस जिस पर हम लोग रहते हैं अर्थ सरफेस के नीचे अत्यधिक गहराई पर सिलिकेट्स मौजूद होते हैं सिलकेट जब पिघल जाते हैं तो पिघलने के बाद में वो अर्थ सरफेस की तरफ आने की कोशिश करते हैं ठीक है और जो पिघला हुआ सिलिकेट है उस पिघले हुए सिलिकेट को हम लोग मैग्मा कहते हैं तो जब वो मैग्मा आपका पिघले हुए सिलिकेट या मैग्मा आपके अर्थ सरफेस की तरफ ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो अलग अलग स्टेज पर ठंडा होकर के जमने लगते हैं तो अलग अलग स्टेज पर ठंडा होकर जमने के कारण से जो नई रॉक उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं बात समझ में आई जल्दी से बोल देता हूं वापस से आके के कारण से उत्पन्न रॉक इग्नियस रॉक लगभग 65 प्रतिशत मात्रा में नेचर के अंदर इग्नियस रॉक मौजूद है इन्हें मदर रॉक भी कहते हैं क्योंकि यही मुख्य रॉक है इन्हीं से आपकी सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक आगे बनती हैं नेक्स्ट चीज की जमीन में मतलब अर्थ सरफेस के अत्यधिक गहराई पर सिलिकेट्स के पिघलने के कारण से मैग्मा बनता है यानी कि पिघले हुए सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं और वो जो मैग्मा होता है वो जमीन के सरफेस की तरफ अर्थ सरफेस तरफ ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है और अलग-अलग स्टेज पर ठंडा होकर के जमने के कारण से एक नई रॉक को उत्पन्न करता है जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द इग्नियस रॉक क्लियर यही लिखा है देखो समटाइम्स टेम्परेचर बलो दर्थ सीज कई बार अर्थ सरफेस के नीचे टेम्परेचर हाई होता है जिसके कारण से सिलकेट जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ सरफेस के नीचे वो पिघल जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं ट्राई टू कम अपसाइड ऊपर आने की कोशिश करते हैं विच इज कॉल्ड द मैग्मा इसे हम लोग मैग्मा कहते हैं एंड दीज रॉक्स आर फॉर्मड ड्यू टू दीज रॉक्स आर

और ऐसे ही याद रखना है जैसे याद लिख रखा है कोई सीक्वेंस नहीं बदला सेम सीक्वेंस पहले प्लूटोनिक फिर हाईपेबेल फिर उसके बाद में आ गया वॉल्केनिक क्या आ गया याद रखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाना चाहिए प्लूटोनिकाइपे बसल वॉल्केनिक एज इट इज लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लूटॉनिक हाइपेबेसल वॉल्केनिक प्लूटॉनिक हाइपे बेसल वॉल्केनिक

यहां पे सुनो सिर्फ इसको ध्यान रखो इसका एग्जाम्पल एक, एक याद करो ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसाल्ट क्या हो गया अब याद हो गया सब कुछ प्लूटोनिक है. है? तो नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए तो जल्दी से सब कुछ याद हो गया तो प्लुटोनिकाइपेबेसल वॉल्निक मतलब की अब सुनो ध्यान से इसके एग्जाम्पल ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसल हो गया खत्म अब इसके एग्जाम्पल कुछ और भी इसके एग्जाम्पल है जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल और डायोराइट साइनाइट और गैब्रो रॉक ठीक है ये भी याद कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है सुनिएगा ध्यान से ये मैंने क्यों सीक्वेंस याद कराया प्लूटोनिक हाइपेवेसल वॉल्निक क्यों नाम से याद कराया अच्छा वॉलकैनो से आपको एक चीज पता चलती होगी वॉलकैन का वॉलकैनो का मतलब होता है ज्वालामुखी क्या मतलब होता है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी कहां फटता है भाई ज्वालामुखी फटता है अर्थ सरफेस पर

जमीन से अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण से जो रॉक बनेंगी उन्हें बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक ठीक है जो थोड़ा और ऊपर आकर के शेलो डेफ्ट पर मतलब कि अर्थ सरफेस से जब अत्यधिक गहराई पर मान लो यहां पर अगर रॉक मैग्मा के ठंडा होने के कारण से जो बन रही है उनको हम लोग प्लूटोनिक रॉक थोड़ा और ऊपर आकर के अगर वो रॉक बन रही है ठंडा मैग्मा के ठंडा होने के कारण से तो आपकी हाईपे और अर्थ सरफेस पर आकर ज्वालामुखी के रूप में फटने के बाद में वहां पे जो जमने के बाद मैग्मा के ठंडा होने के कारण से जो रॉक बनेंगी अर्थ सरफेस के ऊपर उन्हें बोलेंगे रॉक बात बात आई समझ में तो में तो बॉक्स इस बात को अब इसको आगे धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे समझ में आ रहा है अब इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके देखिए एक बार नेक्स्ट पॉइंट आया सबसे पहले प्लूटोनिक इग्नियस रॉक अब इसको एक्सप्लेनेशन देखिएगा बहुत बढ़िया है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट और कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा और कंटेंट कोई कॉपी पेस्टेड नहीं है ये पाठक सर का कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है आप लोगों को और एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा आप लोगों को मजा आ जाएगा सुनिए एक बार ध्यान से क्या लिख रहा है मैग्मा के ठंडा होने के कारण से मैंने क्या बोला बेटा मैग्मा के ठंडा होने के कारण से अर्थ सरफेस से अत्यधिक गहराई पर मैंने क्या बोला है फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा मैग्मा के ठंडा होने के कारण से कंसीडरेबल का मतलब होता है का मतलब होता है अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण सरफेस के ठंडा होने के कारण हम लोग बोलते हैं बेटा प्लूटोनिक रॉक क्या बोलते हैं उनको रॉक बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पे मैंने बताया कि कूलिंग जो होती है वो स्लो होती है, बात है अर्थ सरफेस के अत्यधिक गहराई पर आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो तो ज्यादा होगा अर्थ सरफेस के अत्यधिक गहराई पर जो टेम्परेचर होगा बेटा वो तो बहुत ज्यादा होगा और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उस जगह पर कूलिंग भी कैसी होगी स्लो होगी नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोर्सली ग्रेंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता होता है कैसा होता है कैसा कोर्सली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपके पास में होता है बहुत बढ़िया नेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं क्यों क्योंकि ये सबसे आंतरिक भाग में बनता है क्यों ठीक है? है क्या क्यों, क्यों कहते हैं क्योंकि 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 यह सबसे आंतरिक भाग में बनता है ध्यान रखेंगे क्या बनता है बेटा सबसे इंटरनल पार्ट में बनता है ओके? आंतरिक भाग में बनता है जमीन के अत्यधिक गहराई पर सबसे आंतरिक भाग में बनता है इसीलिए हम इसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस एग्जाम में क्वेश्चन आता है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास में दैट इज पहली बात तो मैग्मा के अत्यधिक गहराई पर ठंडा होने के जमने के कारण से क्या बनेगा प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कूलिंग थोड़ी सी कैसी होती है स्लो होती है क्योंकि जमीन के अत्यधिक नीचे गहराई पर क्या होता है आपके पास टेम्परेचर हाई होता है ठीक है उसके बाद कोर्सली ग्रेंड क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोर्सली ग्रेंड मतलब कि कोर्सली ग्रेंड क्रिस्ट स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है याद करना एग्जाम के अंदर आता है इसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं मतलब जो सबसे अंदर बनेगा उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो सबसे बाहर बनेगा उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे बात समझ में आई सबसे अंदर जो बनेगा उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो सबसे बाहर बनेगा उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे क्या कह कहें रहा हैं हम ठीक है ध्यान रखना

Also intrusive, इसको हम लोग intrusive igneous rock कहते हैं इसके example वही सारे आ जाएंगे granite, gabbro, और क्या हूं? Granite, gabbro, और क्या अब अब देखेंगे igneous rock के बारे में बनेगी बेटा इस पर मतलब कि जमीन से अत्यधिक गहराई से थोड़ा और ऊपर उठ जाएगी तो यहां पर शैलो डेफ का मतलब हुआ अत्यधिक का मतलब हुआ? इसका मतलब कम गहराई कम गहराई पर मतलब जमीन से कम गहराई पर जब मैग्मा के ठंडा होने के कारण से जो बनती है उनको हम लोग बोलते हैं आप लोगों की फाइनली ये कंपैरिजन भी समझ में आ गया देखो पहली बात तो ये कहां पे बनता है अस्तिक गहराई पर ये कम गहराई पर ये कूलिंग स्लो होती है ये कूलिंग इसकी थोड़ी सी फास्ट होती है कंपैरेटिव टू इसके कंपैरिजन में कूलिंग फास्ट होती है ठीक है दूसरा तीसरा कोर्सली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसकी फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग इग्नियस इसको कुछ नहीं बोलते इसको मॉडरेट moderate...

कि अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होकर के जमती है लिखा है ना एट द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण से जो रॉक बनती है उसे बोलते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक अब इसके देखेंगे कूलिंग जो होती है सबसे फास्ट होती है इसके अंदर क्योंकि अर्थ सरफेस पर भाई उतना टेम्परेचर नहीं होता जितना जमीन के अत्यधिक गहराई पर है उसके बाद जैसे मैंने उसका बताया कि उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं किसको

पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ लिया करो मतलब ये फालतू की बातें करनी है तुमको यहाँ पे पढ़ने के लिए हम लोग आए पढ़ाई करवा रहा हूँ पढ़ाई नहीं करनी है ये कहाँ मिलेगा सर वहां की पी नहीं मिली सर ये नहीं मिला वो नहीं मिला अरे भाई तुम पढ़ तो लो पहले पढ़ तो लो एक बार पहले ढंग से जो पढ़ा रहा हूं उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो वही दिक्कत है ना कि जो चीज आपको मिल रही है ना जो चीज आपके हाथ में है उसकी कभी जिंदगी में वैल्यू नहीं करनी है चाहिए तुमको वो जो है नहीं दुनिया में कहीं है ना कोर्स चाहिए ये चाहिए अरे भाई तुम जाओ ना मैं ही बताऊंगा कि मैं क्लास में ये बताने आया हूँ कि आप कौन से कोर्स को देखोगे या कौन सा कोर्स आपको देखना चाहिए ये बताने आया हूं मैं आपको क्लास के अंदर हा? चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट पॉइंट देखे बेटा अब देखो एक क्लासिफिकेशन तो सबने पढ़ा होता है लेकिन वो दूसरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या लिख रहा है इस जगह पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ द टू मतलब कि सिलिका की, की उपस्थिति के आधार पर आपके पास में जो सोइल जो क्लासिफिकेशन है स्टोन का वो कैसा होता है तो क्या लिख रहा है इस जगह पे दैट इज एसिड रॉक सबसे पहला देखेंगे एसिड रॉक दूसरा इंटरमीडिएट रॉक तीसरा बेसिक रॉक

कि सिलिका की परसेंटेज है सत्तर से अस्सी परसेंटेज इससे भी ज्यादा जब होती है तो ऐसी रॉक को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रॉक एसिडिक इग्नियस रॉक भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो ये इग्नियस रॉक का ही क्लासिफिकेशन है दूसरा पहला हमने क्लासिफिकेशन कौन सा देखा था देखो एक बार पहला क्लासिफिकेशन था आपके पास ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन उत्पत्ति के आधार पर अभी जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है आपका

मतलब कैटेगरी में, में, मतलब में आती है ऐसा नहीं है कि मैं इसी के बारे में बता रहा हूं बहुत सारी रॉक अलग अलग तरीके की कई सारी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके पास ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इंटरमीडिएट रॉक क्या है ऐसी रॉक जिनमें साठ से ये आपका दिख रहा है साठ से सत्तर परसेंट कितना है साठ से सत्तर परसेंट आपके पास में सिलिका होती है उन्हें हम लोग इंटरमीडिएट रॉक बोलते हैं जैसे कि आपके पास साइनाइट और एक और एग्जाम्पल आ गया आपके सामने रॉक का एंडेसाइट फिर बेसिक रॉक की बात करूंगा तो ऐसी रॉक जिनमें परसेंटेज ऑफ सिलिका लगभग 45 से 60 परसेंट होती है उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक रॉक इसके एग्जांपल है बेटा गैब्रो रॉक अब देखो गैब्रो रॉक जो है ना वो आप लोगों की प्लूटोनिक रॉक भी होती है देखो यहां पे ध्यान से अगर देखा होगा आपने तो यहां पे देखो यहाँ पे लिख रहा है गैब्रो रॉक तो इसमें क्या है आपकी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक भी है और साथ में ये आप लोगों की कैसी रॉक है एक मिनट हाँ साथ में आप लोगों की कैसी है बेसिक रॉक भी है तो बेसिक प्लूटोन बेसिक इग्नियस रॉक और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक दोनों की कैटेगरी में आपके पास में ये आती है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं बेटा ये कंटेंट ना आप लोगों को बहुत जबरदस्त है सिंपल भाषा में सीधा लिखा हुआ है नेक्स्ट है अल्ट्रा बेसिक ऐसी रॉक जिनमें सिलिका की उपस्थिति 45 परसेंट से भी कम पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक और इसके एग्जाम्पल है बेटा बेसाल्ट ट्रैप और डोलेराइट मतलब डोलेराइट ट्रैप और बेसाल्ट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ये आपको ध्यान में जाएगा चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट है सर इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट आपके पास में क्या है लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ रॉक्स इस टाइप की रॉक्स में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑफ रॉक के टाइम पर ये तो वही सेम चीज लिख रखी है मैंने कि मैग्मा जो है वो ठंडा होकर फास्ट रेट पर जमता है और शेल्फ कंपैरिजन में तो वेरी फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ये जो मैंने के बारे में बताया ठीक है, है ये तो बेसिक है इसको आप पढ़ लेना बाद में ये एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए मैंने लिखा है इसको भी आप लोग चाहें तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं तो द मिलियन डॉलर मॉर्निंग मतलब कि आप लोग जीवन में एक बहुत बढ़िया काम अगर करना चाहते हो अब देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्लास के अंदर हमेशा कहा है कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में एक अपनी मॉर्निंग से ही देखा ना कई बार हम लोग जब रात को सोते हैं ना तो उस टाइम पर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो असली टाइम मैनेजमेंट होता है जब आप रात को सोते टाइम आपको दिल से संतुष्टि मिल रही है खुशी मिल रही है उसे हम लोग बोलते हैं द परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट तो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट को मैं यहाँ पे कुछ द मिलियन डॉलर मॉर्निंग के नाम से कुछ जस्टिफाई करता हूँ सबसे पहला वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठिए सुबह उसके बाद इमीडिएटली गेट आउट ऑफ बैट सबसे पहले जल्दी से जैसे आप लोग सुबह उठ रहे हो तो तुरंत बैठ से उठ जाइए मिनट मिनट रुक रहे हो ऐसा नहीं करना है उसके बाद लिखा नो no फोन उस टाइम पे कोई फोन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए देन उसके बाद में लिखा कोल्ड शावर अच्छा ठंडे पानी से नहाइए ताकि आप लोगों में एकदम एनर्जी बनी रहे उसके बाद मैंने लिखा फाइव मिनट्स ऑफ कार्डियो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए पांच मिनट के लिए बहुत थोड़ी बहुत चाहे घूम लीजिए कुछ भी कर लीजिए देन उसके लिखा है मेडिटेशन अगर ये भी होता है तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया चीज है ठीक है या फिर ऐसे लिख रहा है सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने तो यहाँ पे क्या करें कोई फोन यूज मत करें थोड़ी देर मेडिटेशन करें थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए मतलब या फिर पांच मिनट आप कार्डियो कर सकते हैं वार्म अप कर सकते हैं उसके बाद ठंडे पानी से नहा लीजिए ठंडे पानी से ना लीजिए हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए जिससे आपको एनर्जी बनी रहे द हेल्दी ब्रेकफास्ट उसके बाद लिखे द डेली डेली के लिए आप लोगों के तीन गोल डिसाइड कीजिए और तीन गोल्स के बाद में ग्रह व कॉफी या फिर चाय पीजिए आराम से और उसके बाद अपना हसलिंग स्टार्ट कीजिए जबरदस्त काम करना स्टार्ट कीजिए दिस शुड बी और मिलियन डॉलर मॉर्निंग डेली अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हो अगर आप एक महीने भी फॉलो कर लेते हो ना आप डिफरेंस समझोगे कि पिछले महीने में कितना ज्यादा लो फील कर रहा था और अभी इसके बाद में मैं कितना ज्यादा हाई एनर्जेटिक फील कर रहा हूं तो आई होप आप लोगों को यह बहुत जबरदस्त लगेगी चीज तो प्लीज आप लोग इस चीज को फॉलो करें और अपनी लाइफ के अंदर इस, इसको एज अ प्रैक्टिकल लेके देखें आप लोगों को बहुत बदलाव देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बहुत बढ़िया करते हैं ठीक है, है? चलिए <coughs> स्टार्ट करें हम लोग ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है सेडिमेंट्री रॉक पे आ गए हम लोग हो गया आपका इग्नियस रॉक सेडीमेंट्री रॉक क्या है इसको हम लोग एक्वस रॉक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग एक्वस रॉक भी कहते हैं ठीक है

प्री एग्जिस्टिंग रॉक प्री एग्जिस्टिंग मतलब रॉक का मतलब क्या होता है पहले से उपस्थित रॉक पहले से पहले से उपस्थित रॉक अब पहले से उपस्थित रॉक कौन सी है पहले से उपस्थित रॉक ये कौन सी है भाई ये आपकी इग्नियस रॉक एक ही तरह तो का जो दुनिया में पहले से उपस्थित है ठीक है इग्नियस रॉक तो यहां पे लिखा है कि ये जो रॉक है ना ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक यानी कि इग्नियस रॉक जो होती है उसी के डिपोजिशन डिपोजिशन का मतलब कई सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसका डिपोजिशन का मतलब बता देता हूं डिपोजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ठीक है एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह दूसरी जगह दूसरी जगह, दूसरी जगह चले जाना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना मतलब सीधी भाषा में ये बोला जा रहा है कि ये जो रॉक होती हैं कौन सी आपके पास सेडिमेंट्री जो रॉक होती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाने के कारण से बनती है तो खतरनाक क्या एक्सप्लेनेशन है मजा आ गया ना मेरे को भी एकदम अंदर से फील आ रहा है सो so दिसक्शन के अंदर से फील आए कि सर क्या बात है मतलब हमने आज पढ़ा मजा आ गया हमको पढ़ के खुद से भी कुछ पढ़ रहे हो तो लास्ट में जब पढ़ने के बाद उठो तो फील होना चाहिए कि यार मैंने लाखों डॉलर के जितनी लाखों करोड़ों डॉलर के जितना एक नॉलेज कमाई है आज ठीक है ना ये महसूस होना चाहिए होती है? जो पहले से है, है, उनके एक जगह, जगह पर चले जाने के कारण से होती है और इसीलिए हम इनको सेकेंडरी रॉक कहते हैं क्या कहते हैं इनको हम लोग सेकेंडरी रॉक कहते हैं आगे लिखा दीज रॉक फॉर्म बाई द पार्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब कि ये जो रॉक है ये आप लोगों की जो पहले से उपस्थित रॉक है उन सभी में वैदरिंग एक्शन वैदरिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि जो मौसम में आपके पास हवा है पानी है ग्लेशियर है विंड है तूफान है इन सभी के कारण से जो आपके पास इग्नियस रॉक है वो टूट टूट करके एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर परतों के रूप में जमती रहती है जिससे एक नई चट्टान का निर्माण होता है और उस नई चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं समझ में आ गया बेटा सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं एक बच्चा कह रहा है सर डिपोजिशन और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा देखो बेटा डिपोजिशन का मतलब होता है पोजिशन देखो नाम से ही पता चल रहा है डिपोजिशन मतलब कि पोजीशन को अलग कर देना पोजीशन को चेंज कर देना यहाँ पे था कोई चीज अब यहाँ पे रख दी दिस इज द डिपोजिशन डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का डिसइंटीग्रेशन होना मतलब कि कोई चीज थी जैसे आपके हाथ में कोई एक पत्थर पत्थर बोल कांच का कोई एक आपके पास मूर्ति थी उसको आपने गिरा दिया गिराने के बाद जो वो टूटी तो उसको हो गई या फिर कोई बॉडी जैसे आपके पास कोई कई बार देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट के सारे कई बार जानवर मर जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होने लग जाती है मिट्टी में मिलना चालू कर देती है दैट इज द डिकम्पोजिशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ दीज रॉक्स बाय द कंसोलिडेशन ये तो हमने पढ़ा दिया ये तो हो गया ठीक है

इनके थ्रू उठ के आएंगी ट्रांसपोर्ट हो रही है ट्रांसपोर्ट होते होते क्या जाएंगी? हो जाएंगी डिपोजिट हो जाएंगी डिपोजिशन हो जाएगा इनका और डिपोजिशन होकर लेयर के, के फॉर्मेशन में एक नई रॉक बनाएंगे जिसको हम लोग सेडिमेंटरी रॉक कहेंगे और ये साइकिल आपकी चलती रहती है ठीक है नेक्स्ट लिखा हुआ कि सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द बॉटम ऑफ सी समुद्र का जो पिछहत्तर प्रतिशत हिस्सा है वो आप लोगों का सेडिमेंटरी रॉक से ही मिलकर के बना हुआ है एग्जाम्पल सुनेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है इस जगह पे बेटा सेंड स्टोन का एग्जाम्पल है उसके बाद में लैम स्टोन का एग्जाम्पल है तीसरा मड स्टोन का एग्जाम्पल है चौथा दा... लेटराइड का एग्जाम्पल है डायो सॉरी डाइटोमाइड का एग्जाम्पल है जिप्सम है शेल है चौक आपका आ गया मैग्नेसाइट फेलसाइट लिग्नाइट ग्रेबल कंकर कंकर स्टोन कॉन्ग्लोमोरेट त्रिपोली इत्यादि बेटा ये सब के सब आपके लोगों के किसके एग्जाम्पल है ये सेडिमेंटरी रॉक हालांकि इसके अलावा काफी सारे एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लिए ताकि कोई भी एग्जाम्पल देखो तो आप लोगों को डर ना लगे कि यारे मैंने क्या देख लिया ठीक है चलिए समझ में आ रही है कहानी बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा आप लोगों को आज क्लास पढ़ने में ठीक है एनर्जी ऐसी रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को मजा आए चीजों को समझने में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जैसे कि लिखा हुआ कि जिप्सम आप लोगों का एक रॉक भी है और जिप्सम आप लोगों का एक मिंडल भी है जिप्सम बोथ मिंडल भी है जिप्सम रॉक भी है आगे देखेंगे जब लेट्राइट को हम लोग डिस करते हैं क्या कह रहा हूं जब हम लोग लेट्राइट को डिस करते हैं तो ये आप लोगों का एक नई नई आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मुर्रम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा जिसे हम लोग मुर्रम कहते हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे जब हम लोग लेटराइट को जब हम लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में एस एससी में आ चुका है इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट में जब लेट्राइट को हम लोग डिस करते हैं तो उसके बाद में एक नई सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है और ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसको हम लोग मुर्रम कहते हैं आगे लिखा हुआ है सिंगल कई बार आता है एग्जाम में तो सिंगल आपका एक वाटर बाउंड पेबल है तो ये आपको याद रखने दोनों तीनों पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं तो आपको याद रख लेने हैं ठीक है चलिए ओके चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में मेटामॉर्फिक रॉक तो देखो दो रॉक हमने पढ़ लेडीमेंट्री और इग्नियस अब इन्हीं रॉक मतलब कि सेडिमेंट्री और, और सेडिमेंट्री कहां से बनी है इग्नियस रॉक से तो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण से जो नई रॉक बनती है उन्हें हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या बोलते हैं उनको हम लोग उनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं ठीक है तो यहां पर बहुत सिंपली लिखा हुआ है कि द रॉक फॉर्म बाई द प्री एग्जिस्टिंग रॉक ऐसी रॉक जो कि प्री एगजिस्टिंग रॉक जैसे कि इग्नियस रॉक या इग्नियस रॉक से बनने वाली सेडिमेंटरी रॉक विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक मतलब ऐसी रॉक जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण से उनकी मदद से नई रॉक में चेंज हो जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं मॉर्फिक रॉक और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म क्या बोलते हैं बेटा उसे हम लोग बोलते हैं इसको भी आप ध्यान रखें। क्या बोलेंगे बेटा इसको इसको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी ठीक है क्या बोलते हैं बेटा इनको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं आगे पढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है मेटामॉर्फिज्म भी अलग अलग तरीके का होता है बहुत सिंपल है समझने की कोशिश करिएगा बहुत सिंपल है चैप्टर लेकिन मैंने बना रखा है सिंपल और आप लोगों के लिए जब बनाया तो आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है सर सुनेंगे थर्मल मेटामोर्फिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है थर्मल का मतलब है टेम्परेचर यानी कि यदि आप लोगों के पास कोई भी एक रॉक सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर में चेंज होने के कारण से नई रॉक में बदल रही है तो उसको थर्मल मेटामोर्फिज्म बोलेंगे तो लिखा है व्हेन दीज रॉक्स आर फॉर्मड ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मल

डायनेमिक थर्मल मेटामॉर्फिज्म एक और चीज आपको बताता हूं एक लगा प्लूटोनिक

ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट नोट अब में क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है है पे कि दीज रॉक्स कैन बी फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू द प्रेशर मतलब सीधी भाषा में लिखा हुआ है कि और प्रेशर के कारण से जो अर्थ में जो मूवमेंट होता है जो हलचल होती है उसके कारण से ये नई रॉक्स आपकी पैदा हो जाती है क्लियर हो गया समझ में आ गया ओके बहुत बढ़िया चलिए सर आप कैटलिस्ट में पढ़ा रखे हैं ना हाँ बिल्कुल भाई मतलब पहचानते हो आप मुझे क्या पढ़ा है आपने कैटलिस्ट में बिल्कुल कैटलिस्ट में पढ़ा रखा है मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं क्या लिखा है बेटा यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है आपके पास ओरिजिनल रॉक और दूसरी तरफ आपके पास में क्या लिखी हुई है दूसरी तरफ एक तरफ लिखी हुई है मतलब आपके पास में ओरिजिनल रॉक एक तरफ लिखी हुई है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि आपके पास ग्रेनाइट जो होती है वो गेनीस के अंदर चेंज हो जाती है साइनाइट भी आपका गेनीस के अंदर चेंज हो जाता है ट भी आपका गनीस के अंदर चेंज हो जाता है सैंडस्टोन जैसे मैंने आपको बताया था मार्बल में चेंज हो, 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 हो जाता है और डोलोमाइट आपका चेस्ट के अंदर चेंज हो जाता है और बेसाल्ट आपका एम के अंदर चेंज हो जाता है बेटा ये सब आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा इसको आप ध्यान रख लेना अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें ठीक है क्लियर है सभी को आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में सब कुछ आ गया होगा जल्दी से बताएंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में सब कुछ समझ में आ गया सब कुछ चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में दिस इज द ये लिखा हुआ है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक हालांकि इनको आप पढ़ लेना मैं आपको एक बार बेसिक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर कोई कई बार पूछ लेता है लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा लेकिन हां आप लोगों से मेन्स एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है किसी भी आप लोगों अगर कन्वेंशनल एग्जाम दे रहे हो लेकिन एस एस जेई का तो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो ये आपका यूनिवर्सिटी में काम आ सकता है तो इसको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं बेसिकली ठीक है जैसे कि लिखा है कि एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पहली बात कि उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए एकदम बढ़िया सुंदर दिखने वाला कलर वगैरह डार्क होना चाहिए उसका और वो सुंदर दिखना चाहिए दूसरा है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बता रखा है कि एक जो स्ट्रक्चर होता है उसका अपियरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए डल अपियरेंस नहीं होना चाहिए

जो कंप्रेसिव स्ट्रेन या क्रशिंग स्ट्रेन मानी गई है एक बिल्डिंग स्टोन की प्रैक्टिस रेंज में वो आप लोगों की 60 से लेकर के 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मानी गई है हालांकि आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी जिसका नाम है 100 जल्दी से बताना सभी ने पढ़ी होगी 100 एमपीए एक वैल्यू पढ़ी होगी ठीक है क्या पढ़ी होगी बेटा 100 एमपीए एक वैल्यू पढ़ी होगी लेकिन ये वैल्यू जो है आपकी

सीजनिंग है स्पेसिफिक स्पेसिफिक इसको देखो बेसिक ग्रेविटी बता रखी दो पॉइंट तीन से दो पॉइंट पांच लगभग ठीक है ये सारे पॉइंट आपको बेटा याद कर लेने लेकिन ये एग्जाम में आपसे वैसे नहीं पूछे जाएंगे ओके पीवाईक्यू पे आ रहा हूं टेंशन मतलब पीवाई क्यू भी कराऊंगा ओके चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फायर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे सॉरी ये आपके पॉइंट हो गए फायर रेजिस्टेंस तक अभी देखें जितना मैंने आपको बताया अभी कौन कौन सी चीजें बताई आपको

सेकंड का टाइम है इनमें से कौन एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है जल्दी से आंसर बताएंगे एक का भी आंसर ऐसा ना हो कि वो नहीं आए जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इसका हाँ जी तुरंत आंसर आना चाहिए सभी का ही बच्चे हैं और इसके अंदर भी दिखना चाहिए मुझे आंसर <coughs> जल्दी से बताइए <coughs> हां जी जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा भाई इसका वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या आंसर रहेगा

आंसर आएगा इस क्वेश्चन का हां जी जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भाई तुरंत बता दें एक बार तुरंत बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का हां जी जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का हो गया ओके okay. जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का चले आगे बड़े आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है सर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहां पे आंसर क्या आएगा सिलीसियस देखो सिलीसियस उसके बाद में आर जिलेसियस आर जिलेसियस उसके बाद में कैल्सेरियस तीन तरीके के आपके पास में केमिकल क्लासिफिकेशन होता है ठीक है ये आपको हमने बताया था और ये जो तीनों हैं ये आपके पास कौन सा है बेटा ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है कौन सा है फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है बात समझ में आ रही है सर ये बहुत बढ़िया है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर आपका दैट्स द डोलेराइट इज अ टाइप ऑफ डोलेराइट क्या चीज है सर पहल, पहला इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक एग्रीगेट ये क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से पहला इसका आंसर देखेंगे हम लोग इसका उसका आंसर क्या दिया था आप लोगों ने ए आंसर दिया होगा उसका बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तीस सेकंड का टाइमर वापस से आपके लिए ठीक है और बच्चे बेटा जाओ मत बेटा क्लास के अंदर बैठ के शांति से अच्छे से पढ़ लो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को बाद में पछताओगे बाद में दिक्कत होगी इसलिए कह रहा हूं अभी से प्लीज आप पढ़ लीजिए ठीक है हाँ पढ़ो एक बार जल्दी से बताओ मुझे क्या लिख रहा है इस जगह पे

रिजल्ट ट्रैप रॉक ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक ये वाली क्वेश्चन में जरूर आप गलती करोगे तीस सेकंड का टाइम है अच्छे तरीके से बताइए इसका आंसर तीस सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास अच्छे तरीके से बताइए क्या आपका आंसर जो है देखने को मिलेगा जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा आपका जल्दी से जल्दी से बताएंगे क्या आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का हाँ जी बता दो जरा जल्दी से क्या आंसर आ रहा है वेरी नाइस nice. क्या आ जाएगा देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जमीन से जमीन से अत्यधिक गहराई पर जब रॉक आपकी मैग्मा के ठंडा होने के कारण से बनती है तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक उससे ऊपर जो बनती है उसको बोलते हैं हम लोग प्लूटॉनिकल और उससे ऊपर जो बनती है का उसको बोलते हैं क्या दैट इज द वॉल्केनिक रॉक अब वॉल्केनिक रॉक में आपके पास एग्जाम्पलिक रॉक कहीं लिखा नहीं है अब इसके एग्जाम्पल लिखे हैं कौन कौन से बेसाल्ट और ट्रैप तो इसीलिए देखो वो वाली चीजों को याद करने से किससे मैंने आपको तीन चीजें दो चीजें याद कराई ग्रेनाइट डोलेराइट ट्रैप बेसाल्ट और दूसरा क्या याद कराया प्लूटोनिक इससे आपको समझ में आया मैंने क्यों याद कराया इसको यह है तरीका इसका ठीक है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं हैं ना क्या नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका बेसाल्ट और ट्रैप आपके पास का आंसर आंसर हो गया बी इज द करेक्ट देखते कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है 76 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसका नाम है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है इसमें से पहला लिखा हुआ आपके पास में एक्वस रॉक उसके बाद में लिखा हुआ है आपके पास में सेडिमेंट्री रॉक उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास में मेटामॉर्फिक रॉक और उसके बाद में लिखा हुआ है आपके पास में इग्नियस रॉक जल्दी से देखेंगे चार तरीके की रॉक लिखी हुई है जल्दी से तीस सेकंड का टाइम है आंसर बताओगे इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका कौन सी रॉक है ये आपके पास ग्रेनाइट तो आपका सभी का आंसर क्या आएगा भाई इग्नियस रॉक आ रहा होगा बहुत बढ़िया डी विल बी द करेक्ट आंसर डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर ओके गॉट इट सेकंड से पहले ही आप लोगों ने बता दिया बहुत बढ़िया इस तरीके से एनर्जी रखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया से ही समझ में आएंगी हमेशा ओके चलिए सो so, इसका क्या जाएगा? तो आ जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए तो बी इज सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं देते हैं क्योंकि ये मैंने अभी कराया नहीं है हम लोग नहीं किया है आप यहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सर हम लोग सबसे पहले प्रोसेस ऑफ स्टोन की बात करूंगा तो क्वेरिंग ऑफ द स्टोन को देखूंगा सबसे पहले क्या देखूंगा प्रोसेस ऑफ स्टोन में प्रोसेस ऑफ स्टोन का मतलब क्या है प्रोसेस ऑफ स्टोन का मतलब है कि हम लोग प्रोसेस ऑफ स्टोन का मतलब है कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पत्थर को कैसे हम लोग यूज यूजेबल बना रहे हैं मतलब कि पहले पत्थर को हम लोग क्या करेंगे चट्टानों से निकालेंगे फिर उसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा उसको सुखाएंगे उसके बाद उसकी ड्रेसिंग भी हो रही होगी सेम टाइम पर ड्रेसिंग हो रही होती है मतलब प्रॉपर शेप और साइज में और देन उसके बाद हम उसको यूज करेंगे ये एक तरीका होता है अब यहाँ पे देखने को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यह लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक मतलब की क्वेरिंग का मतलब होता है रॉक में से

पत्थर को बाहर निकालते हैं चट्टान से तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा जो पानी की मात्रा उपस्थित होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वेरी सेप बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चे उसे हम लोग क्वेरी तो मैंने क्या बोला चट्टान में से पत्थर को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्वेरी सेप बोलते हैं। <coughs> Sorry, uh, क्वेरिंग बोलते हैं सॉरी हैं दूसरा क्वेरिंग के लिए हम लोग जंपर टूल का इस्तेमाल करते हैं और तीसरा क्वेरी सेप मतलब आपके जो स्टोन है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द क्वेरी सेप क्या बोलते हैं उसे हम लोग क्वेरी सेप उसे हम लोग बोलते हैं ये आपको ध्यान रखनी सारी बातें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सर <coughs> ये आपको आगे बता देता हूं मैं मेथड ऑफ क्वेरिंग देखो मैं कोई एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं मैं एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं बाकी आप इसको थ्योरी और पढ़ना चाहें डिटेल में तो मैं जैसे आपको मैंने कल कल सारे बच्चों को जो नोट्स मिले होंगे जो आपने डाउनलोड किए होंगे ऐप <coughs> पे जाकर के उन सभी में आपको लाइम के कंप्लीट नोट्स मिल गए होंगे लाइम और मोटार के सही बात एकदम तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इसलिए दे दी थी ताकि अगर आपको जल्द जल्दी है उनको पढ़ने के लिए या फिर आपको पढ़ने हैं तो आप आराम से पढ़ लो तो जो एडिशनल डेटा है वो मैं आपको दे दूंगा कि किस जगह पे हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं या फिर आपके पास क्वैरिंग का क्या मतलब होता है और डिटेल में समझना है तो उसके लिए मैंने पे आपको दे रखा है ठीक है ओके तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है आप लोगों को चाहिए तो आप ले लेना लेकिन मैं आपको मेन वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है अब देखेंगे हम लोग ठीक है कि मेथड ऑफ क्वाररिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे चार तरीके के क्वेरिंग के मेथड है मतलब कि चट्टान से पत्थर को बाहर निकालने के चार तरीके के मेथड होते हैं पहला जो मेथड है है वो आपके पास एक्सकेवेशन मेथड दूसरा जो मेथड है वो 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 आपके आपके चो, चो, आपके पास 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 में 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 है 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 वेजिंग मेथड 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 तीसरा जो जो हीटिंग चौथा ब्लास्टिंग मेथड या एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने वाला मेथड मतलब की चार मेथड हो गया एक्सकेवेशन वेजिंग हीटिंग और एक्सप्लोजिव मेथड ठीक है या फिर ब्लास्टिंग मेथड ये चार मेथड होते हैं एग्जाम में आप ध्यान रखोगे चारों के बारे में डिटेल मैंने आपको दी हुई है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं मेनली आप

टेस्ट पे आ रहे हैं हम लोग टेस्ट ही पढ़ेंगे अभी ये समझ में आ गया ब्लास्टिंग मेथड क्या है तो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने को हम लोग ब्लास्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं अब इस ब्लास्टिंग मेथड के अंदर कई बार एग्जाम में ना क्या पूछा था वो बताता हूं आपको तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोजिव मेथड के इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है डिपर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं जो आपके पास देखो एक्सप्लोजिव मेथड कैसे होता है हम लोग गड्ढे बनाते हैं गड्ढे बना करके उनको अच्छे से साफ करते हैं साफ करने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं रेगमाल एक कपड़ा होता है जिससे हम लोग सारा का सारा मॉइस्चर को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं आ, मिट्टी वगैरह भर या तो डायनामाइट भरते हैं पहले हम लोग डायनामाइट के बाद हम उस लोग मिट्टी वगैरह से उसको कवर कर देते हैं उसमें एक फ्यूज वायर लगाते हैं फिर जितने भी हमने होल किए हैं उन सारे फ्यूज वायर को हम लोग आपस में कनेक्ट कर हैं ताकि एक साथ धमाका कर पाए उसके बाद डेटोनेटर्स की सहायता से देखा होगा मूवीज़ में एक एक हैंडल होता है उसको दबाते हैं तो वहां पर चट्टानों में क्या होता है ब्लास्ट हो जाता है तो ये प्रोसेस होता है ब्लास्टिंग मैथड अब इस ब्लास्टिंग मेथड को ठीक है ब्लास्टिंग मेथड की मैं बात करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ है Is used for hole. मतलब डिपर इज यूज फॉर क्लीनिंग करने में करते हैं स्क्रैपिंग स्पून का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसका इस्तेमाल इसका भी होल को क्लीन करने में किया जाता है आगे लिखा है जंपिंग रॉड का इस्तेमाल होल्स को फिल करने में किया जाता है नेक्स्ट देखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आपके पास में फ्यूज वायर इज यूज फॉर कनेक्टिंग द होल टू एक्सप्लोजिव जो फ्यूज वायर होता है उसका इस्तेमाल जितने भी होल्स 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 हैं आपके आपके उन सभी होल्स के, उन सभी सभी के का जो आपके पास में में मटेरियल है उसको आपस कनेक्ट करने में किया जाता है और लास्ट में लिखा हुआ है मटीरियल कौन कौन से यूज होते हैं एक्सप्लोजिव में तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भाई आता है अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है एक डाउट है डिगिंग मेथड बेटा डिगिंग मेथड कोई नहीं होता डिगिंग मेथड होता है ब्रिक के अंदर वहां पे आएगा वहां बताऊंगा आपको है ना डिगिंग मेथड आपको ब्रिक के अंदर बताऊंगा बेटा ओके चलिए ओके okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से हम लोग को एज एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं ठीक है एक्स एज एक्सप्लोसिव हम लोग कौन कौन सा मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा गन कॉटन कौन सा लिखा हुआ है सबसे पहला सबसे पहला लिखा हुआ है आपके सामने गन कॉटन का इस्तेमाल तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग नाइट्रोसेलोज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग नाइट्रोसेलोज भी बोलते हैं किसको गन कॉटन को कैसे बनेगा एच एन ओ थ्री और एच टू एसओ फोर को जब हम लोग इन दोनों को एच एन ओ थ्री और एच टू एसओ फोर को जब हम लोग कॉटन के ऊपर रिएक्ट करवाते हैं तो आपका गन कॉटन बनके तैयार होता है क्या बनता है बेटा गन कॉटन बनके तैयार होता है नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कैपेसिटी जो होती है वो डायनेमाइट से भी ज्यादा होती है इसकी ध्यान रखना गन कॉटन की एक्सप्लोजिव जो आपके पास में कैपेसिटी होती है वो डायनेमाइट से भी खतरनाक होती है और इट कैन फायर इन द ओपन एटमोस्फेयर की खुले वातावरण में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ब्लास्ट कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखेंगे और क्या क्या मटीरियल है एक है आपके पास कोडाइट आपने उसके ऊपर क्वेश्चन भी पढ़े होंगे दिस इज मेड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ गन कॉटन एंड नाइट्रोसे नाइट्रोग्लिसरीन टू द जिलेटिन जब हम लोग

दस परसेंट और चार कोसेंट मिलाकर बनता है और लास्ट में लिखा हुआ है इसमें इट इज एक्सप्लोर्ड विद डेटोनेटर इसको डायनेमाइट की बात करूं एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है इसका इसको पचहत्तर परसेंट नाइट्रोग्लिसन और पच्चीस परसेंट इसमें सेंडी अर्थ मिलाते हैं मतलब मिट्टी मिलाते हैं ठीक है थीके? और ये आपका

सीजनिंग क्या होती है जब हम लोग स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं चट्टान में से तो उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद होता है क्या होता है पानी उसके अंदर मौजूद होता है तो उस पानी को हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं उसके लिए जो पानी पानी कौन सा है क्वेरी सेप जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सीजनिंग बोलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव द क्वेरी सेप या मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट है आपका स्टोन के अंदर तो जो प्रोसेस एडोप्ट की जाती है उसे हम लोग सीजनिंग ऑफ द स्टोन कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम लोग उसे हम लोग कहते हैं सीजनिंग ऑफ द स्टोन ठीक है ओके okay. आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है आपके पास में नोट की बात करूंगा मैं तो यहां पे लिख रहा है टाइम ड्यूरेशन फॉर सीजनिंग टाइम ड्यूरेशन जो होता है सीजनिंग का वो छह से बारह महीने होता है सीजनिंग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं पत्थरों को चट्टानों में से बाहर निकालते हैं और उनको खुले मैदानों में हम लोग डाल देते हैं तो खुले मैदानों में जब हम लोग डालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज द सीजनिंग क्या बोलते हैं उसे हम लोग दैट इज नोन एज द सीजनिंग उसे हम लोग सीजनिंग कहते हैं ठीक है इसको आप ध्यान रखोगे इसे हम लोग सीजनिंग कहते हैं तो अब चट्टानों चट्टानों से पत्थर निकला उसको जब खुले मैदान में डाला तो उसको छह से बारह महीने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे डाल देते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड

हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लिखा हुआ है अब है ड्रेसिंग पहला हमने पढ़ा क्वेरिंग तीन प्रोसेस हैं क्वेरिंग सीजनिंग और ड्रेसिंग अब ड्रेसिंग के बारे में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है क्या लिखा हुआ है Of है, में आ चुका है, कि proper, और कितना सिंपल है बच्चों में जैसा क्वेश्चन है कि स्टोन को प्रॉपर शेप और साइज देने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज नोन एज द ड्रेसिंग ऑफ द स्टोनो ड्रेसिंग बोलते हैं तो लिखा है कि ड्रेसिंग जो है वो कब की जाती है तो देखो जब हम लोग पत्थर को बाहर निकाल रहे हैं ना कहा से जब हम लोग रॉक से चट्टान से जब हम लोग पत्थर को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पर ना वो काफी स्मूथ होता है क्या होता है काफी स्मूथ होता है तो जब पत्थर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो काफी स्मूथ है अब उस स्मूथ पत्थर को की जो आपके पास शेप और साइज है उसको चेंज करना बड़ा आसान है तो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं इस बात को कि सीजन ड्रेसिंग कब की जाती है तो ड्रेसिंग की जाती है या तो सीजनिंग के दौरान जब वो पत्थर सूख रहा होता है उसी टाइम पे उसको हम लोग क्या कर देते हैं उसका शेप शेप में उसको ढाल देते हैं या फिर दूसरा क्या बोलते हो जस्ट आफ्टर क्वेरिंग क्वेरिंग के जस्ट बाद या तो बोल सकते हो कि ड्रेसिंग जो होती है क्वेरिंग के जस्ट बाद जैसी पत्थर को हम लेके आते हैं चट्टानों से उसके जस्ट बाद की जाती है आपकी ड्रेसिंग या फिर सीजनिंग के दौरान अब ये क्यों कहा मैंने कि क्वेरिंग के जस्ट बाद क्योंकि क्वेरिंग के जस्ट बाद सीजनिंग ही तो होती है तो या तो ऐसे बोल दो कि क्वेरिंग के जस्ट बाद या फिर बोल दो ड्यूरिंग द सीजनिंग सीज़निंग के दौरान एक ही, बात है, एक ही मतलब का ठीक तो सीजनिंग, सीजनिंग है स्टोन के अंदर वो उस पत्थर को स्मूथ बना के रखता है उसको सॉफ्ट बना के रखता है इट समझ में आ गया चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे ये आप लोगों के लिए वापस से आज का एक और सुंदर विचार जिसमें लिखा हुआ है बेटा थिंक सोचिए आइडिया डेवलप कीजिए माइंड में कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए पहले उसको ट्राई कीजिए फिर उसको करिए डू अगेन डू अगेन 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 कीप डूइंग फाइनली यू विल द सक्सेसफुल पर्सन आप लोग फाइनली एक सक्सेसफुल पर्सन हो गए इस बात को ध्यान रखिएगा ये ये आप लोगों के लिए बेटा सब कुछ ताकि आप लोगों को मोटिवेट रहो कैसे भी रहो जैसा देख रहे हो आप लोग एक हजार बच्चे से आज घटते घटते हम लोगों लोगों ने 700 700 बच्चे के के आसपास आज पढ़ाए ठीक है थीके? अब इन 700 बच्चों को पढ़ा के, आप लोगों को पढ़ा आप एक चीज तो दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बेटा एक चीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हर बच्चा दो दिन पढ़ने के बाद तीसरे दिन नहीं आ रहा क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है मैं फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ सही कंटेंट जबरदस्त कंटेंट जो आपको पेड क्लासेस में मिलता है

क्वेश्चन आ गए मार्बल को हम लोग कौन से मेथड से क्वेरी करते हैं तो मार्बल को हम लोग वेजिंग मेथड से क्वेरी करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन टू स्प्लिट अलोंग ये हमने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी फॉलिएटेड रॉक के अंदर कि जो फॉलिएटेड रॉक होती हैं सर जो फॉलिएटेड रॉक जो होती हैं <coughs> है ना

तो जल्दी से हमको बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है जल्दी से प्लीज बताएंगे है ना और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन ये दूसरा है जो पहले आया था जो रह गया था वो क्वेश्चन वापस से बताता हूं कि ड्रेसिंग जो होती है स्टोन की कब की जाती है तो ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ है इमीडियटलीस्ट आफ्टर द्वारिंग के जस्ट बाद seasoning के बाद आफ्टर थ्री मंथसिंग जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन तो इसका आंसर भी आएगा ए आंसर किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको आंसर मैंने सही बता दें कि आपको जो आंसर है वो कैसे देने हैं ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या होगा नेक्स्ट आगे आपके पास में टेस्ट ऑफ द स्टोन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं क्या आ गया बेटा आपके पास दिस इज द टेस्ट ऑफ द स्टोन जो है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है ठीक है क्या आ जाएगा बेटा कोशिश करो ऐसे आओगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा यार है ना आप लोग आज एक क्लास ले लो दूसरी लो रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर ऐसा करना पड़ेगा हमें कि भाई इसको रिकॉर्डेड ना रख के सिर्फ लाइव रखना पड़ेगा तभी आप आओगे ऐसा कर दें क्या फिर आप लोग अगर इतनी मकारी करोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा चलिए ऐप पर पेमेंट मांग रहा है भाई मैं बात कर लूंगा कोई इसका पेमेंट नहीं है बाकी इसको हम लोग देख लेंगे अगर जो भी होगा मैं टीम से बात कर लूंगा कि क्या चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही मैं बात कर लूंगा ठीक है परेशान मत हुई अभी पढ़ लें हम लोग अभी पढ़ें, लो, पढ़ें फिलहाल ये क्लास तो फ्री चल रही है ना आप लोगों की तो अभी फिलहाल चल रहा है तो इसको देखें बाकी आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे कर लो फॉलो यहाँ पे मैं आप लोगों की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सर हम लोग अब आए आपके पास में एसिड टेस्ट क्या होता है सबसे पहला टेस्ट है एसिड टेस्ट देखो बहुत आसान है थोड़ा फास्ट चलेंगे जीरो से वन नॉर्मलिटी वाला एक सैंपल हम लोग लेंगे स्टोन का उसके बाद उसको हम लोग एस के सोल्यूशन में एस के सॉल्यूशन में सात दिन के लिए रख देंगे यदि उस एस के सॉल्यूशन में सात दिन रखने के बाद यदि आपके पत्थर के जो किनारे हैं वो यदि टूट जाते हैं पाउडर में बदल जाते हैं तो वो एक पुअर वेदरिंग प्रॉपर्टी को शो करता है किसको शो करता है बेटा पुअर वेदरिंग प्रॉपर्टी को शो करता है वो स्टोन ठीक है दूसरा आप देखो यहां पर यह भी बता रखा है कि ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा एस सी एल के सॉल्यूशन में सिर्फ पांच परसेंट एस सी एल होगा और इसके अंदर रख देंगे तो उस स्टोन का यदि किनारे टूटे पाए गए किनारे यदि टूटे पाए गए सात दिन रखने के बाद में तो इसका मतलब वो एक पुअर वेदर मौसम के खिलाफ विरोध को बहुत ही पुअर तरीके से दर्शाता है ठीक है अब आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें दैट इज दिस टेस्ट इज आउट फॉर द इसको हम लोग के के लिए 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 करते 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 हैं 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 किसके बेटा और इसको हम लोग लैम स्टोन के लिए नहीं करते क्यों नहीं करते सर वो बताता हूं आपको क्योंकि जो हमने बोला अभी कि जो इसके किनारे हैं वो पाउडर के रूप में झड़ना चालू कर देते हैं अभी बोला ना मैंने कि इसके जो किनारे हैं वो पाउडर के रूप में झड़ना चालू कर देते हैं जो पाउडर के रूप में ये झड़ रहे थे अभी तो झड़ने के कारण से जो पाउडर रिप्रेजेंट होता है वो पाउडर किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपका सी एस सीओ थ्री को रिप्रेजेंट करता है है. किसको करता है बेटा ये आपका CaCO3 थ्री मतलब कैल्सियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम लोग इसको लाइम यही तो लाइम है इसलिए लाइम के ऊपर टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो पानी के अंदर घुल जाएगा पूरी तरीके से ठीक है चलिए <coughs> ओके okay, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में एट्रीशन टेस्ट अब देखो एट्रीशन टेस्ट का सबसे पहले तो जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसी हिसाब से इसको बना रखा है इस टॉपिक चैप्टर को ताकि आपको बड़े आसानी से और जल्दी थोड़ा समझ में आ जाए जैसे लिखा हुआ है इसमें कि इट इज यूज फॉर मेजरिंग द वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन की स्टोन का जो वियरिंग रेजिस्टेंस है स्टोन अपने ऊपर कितने लोड को वियर कर पा रहा है उसके लिए एट्रीशन टेस्ट किया जाता है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा आपसे कि सर यहाँ पे कौन से आप लोग एप्रेटस का इस्तेमाल करते हो तो डोवेल टेस्टिंग मशीन किसका का इस्तेमाल करेंगे डोवेल टेस्टिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोसीजर की एक बार बात कर लेते हैं कैसे परफॉर्म किया जाएगा देखो इस टेस्ट के अंदर दो सिलेंडर होते हैं एक चौतीस सेंटीमीटर का होता है एक बीस सेंटीमीटर का होता है और ये थर्टी डिग्री पर हॉर्जोंटल के साथ थोड़े से टेड़े टिल्ट हो करके रखे हुए घंटे mm के, के लिए रोटेट करते हैं चौतीस सेंटीमीटर एक आपके पास में बीस सेंटीमीटर के दो सिलेंडर होते हैं जो हॉर्जोंटल के साथ में जैसे ये हॉरिजोंटल है तो हॉर्जोंटल के साथ में तीस डिग्री पर आपके इंक्लाइंड होते हैं ठीक है इसके बाद इसमें साठ एमएम mm के साइज के हम लोग पत्थरों को रखते हैं और 30 आरपीएम पर घंटे घंटे के 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 लिए, मतलब के लिए मतलब रोटेशन पर पर मिनट हम हम इसको इसको रोटेट रोटेट करते हैं। करने के बाद हम इसको mm की सीव से हैं। करने बाद बाद की से में सुनना इस बात को लिया हमने। अब बता रहे कि परसेंटेज वियर क्या चीज है तो उसमें लिखा लॉस इन वेट लॉस इन वेट मतलब कितना था 100 कर दिया तो उसको यह पता चल गया कि भाई एट्रीशन का मतलब जब इसको कहीं यूज़ किया जाएगा तो पर पांच घंटे घुमाने के बाद पॉइंट पांच एम एम से छानने के बाद जो छन के बाहर निकला तो फिर उसके बाद उसने देखा कि उसके पत्थरों में अब देखो जो चीज छान दी ऊपर क्या रह जाएंगे पत्थर रह जाएंगे

सेंट से ज्यादा उसके पास ये परसेंटेज वियर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए मतलब कि वो अपने जो वजन है उसमें से तीन परसेंट से ज्यादा वजन को नहीं घटाना चाहिए ये सिर्फ आपको मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए क्लियर हो गया सभी को ओके क्लियर है सभी को ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते तो, तो ये समझ में आ गया बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है सर कि वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन के लिए किया जाता है डोबल टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं प्रोसीजर की बात करूंगा तो दो सिलेंडर हैं चौतीस का बीस का डिग्री 30 30 पर है के, 60, 60 mm के साइज के स्टोन को सिलेंडर में रख के तीस आरपीएम पर पांच घंटे के लिए घुमाना है एक पॉइंट पांच एमएम की सीप से निकाल देना है और इसका रिजल्ट है कि तीन परसेंट से ज्यादा वीयर परसेंटेज वियर ऑफ द स्टोन अच्छी बिल्डिंग स्टोन के लिए नहीं होना चाहिए और इसको कैसे निकालेंगे लॉस एंड वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू हंड्रेड निकल गया आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हार्डनेस टेस्ट यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बहुत एक ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्या लिखा हुआ है हार्डनेस टेस्ट इट इज डन टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एब्रेशन मतलब कि एब्रेशन के खिलाफ विरोध उत्पन्न करने का जो काम है वो किसका है आपके पास वो है आपका हार्डनेस टेस्ट का एब्रेशन मतलब कि घर्षण के खिलाफ विरोध उत्पन्न का काम किसका है आपके पास में हार्डनेस टेस्ट का अब यहां पे लिखा हुआ है इसमें कौन सी टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर डोरी टेस्टिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पे एक हार्डनेस कॉफिशियंट है क्या है बेटा एक हार्डनेस कॉफिशियंट आपके पास में और उसका फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत ही ज्यादा सर दिल नहीं मांग रहा है दिल नहीं मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा भाई क्या नहीं मांग रहा तुम्हारा दिल है ना क्या नहीं मांग रहा तुम्हारा दिल क्या चाहिए तुमको क्यों बेचैन हो रहे हो चलो देखते हैं एक बार तो इसमें क्या बोला मैंने कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कह रहा हूं एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस आपके पास में क्या होता है ठीक है देखो एक बार ध्यान से सुनना ऑफ हार्डनेस होता है ट्वेंटी माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम अपॉन थ्री लॉस इन वेट अपॉन ग्राम अपॉन थ्री एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया सिंपल क्वेश्चन लेंगे उठा के देखेंगे क्या आपका आंसर आएगा जैसे फॉर एक स्टोन स्टोन था श्टोन का जो इनिशियल वेट था इनिशियल जो वेट था वो मान लेते हैं हम लोग आपके पास कितना था सौ ग्राम था कितना था सौ ग्राम अब लॉस इन वेट जो हुआ लॉस इन वेट जो हुआ आपके पास में वो हुआ आपके पास में फॉर एग्जाम्पल Uh, यहाँ से 10 ग्राम हो गया कितना हो गया 10 ग्राम हो गया या फिर जो भी आप मान के चल लो तो 10 ग्राम इसमें लॉस इन वेट हो गया ओके तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस सीओएच हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो कोफिशिएंट हार्डनेस क्या आएगा 20 माइनस 20 माइनस लॉस इन वेट कितना हुआ 10 अपॉन 3 ठीक है ये हो गया तो इसकी वैल्यू निकाली अपने तो 20 माइनस टेन पॉइंट थ्री कितना होगा 3.33 हो जाएगा तो 3.33 को जब आप माइनस करोगे तो लगभग लगभग लग 16.67 आपके पास में जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाए कितनी आएगी बेटा 16.67 जो है वैल्यू निकाल करके लगभग आ जाए किसकी कॉपिशियंट ऑफ हार्डनेस की तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे पूछे जाएंगे आप लोगों से ठीक है क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने क्या बोला बेटा कि हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो एब्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है और इसी को हम लोग याद करते हैं इसी को हम लोग निकाल इसी को हम लोग टेस्ट के लिए करते हैं इसका काम फिर एपरेटस का नाम बता दिया कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू बता दी ट्वेंटी माइनस लॉस इन वेट अपॉन

यदि ऑफ हार्डनेस चौदह से कम है तो उसे हम लोग सॉफ्ट स्टोन कहेंगे क्या कहेंगे सॉफ्ट स्टोन कहेंगे और इस सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हैं दूसरा यदि आपका ये वैल्यू चौदह से सत्रह के बीच में है तो इससे आपकी जो वैल्यू है इसको हम लोग मीडियम स्टोन कहेंगे और मीडियम स्टोन आपके पास में ज्यादातर बहुत बेसिक जगहों पे यूज किया जाता है ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यदि आपकी वैल्यू सत्रह से ज्यादा है

चौदह से सत्रह के बीच में आ रहा है तो चौदह से सत्रह के बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका कैसा स्टोन है, है भाई तो ये आपका एक मॉडरेट स्टोन है कैसा स्टोन है मॉडरेट स्टोन है? है या मीडियम स्टोन है मीडियम हार्ड स्टोन है या मॉडरेट स्टोन है बात समझ में आई क्या वहा एग्जाम में जो भी दे रखा हो मॉडरेट या मीडियम हार्ड स्टोन तो आप वो आंसर कर सकते हैं क्लियर है सभी को तो ये सारी बातें भाई आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत बेसिक सी चीज आपको मैंने बताई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी खत्म नहीं होता है हार्डनेस ऑफ द स्टोन को अभी तो और शुरू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर टेस्ट में से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हार्डनेस ऑफ द स्टोन में से ही पूछे जाते हैं और ये बात आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हो देखते हैं एक बार हार्डनेस ऑफ द स्टोन के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं क्या क्या चीजें होती हैं देखिएगा क्या लिखा हुआ है हार्डनेस एज सरफेस प्रॉपर्टी हार्डनेस जो है वो एक सरफेस प्रॉपर्टी है स्टोन की जो कि या सरफेस प्रॉपर्टी या फिनमुना है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि स्क्रैचिंग के खिलाफ मिनरल कितना मजबूत है मतलब कि कोई भी एक स्टोन है अब इस स्टोन पे कोई स्क्रैच लगाया नाखून से लगाया या फिर किसी दूसरे पत्थर से लगा या नाइफ से लगा तो स्क्रैच के खिलाफ वो कैसा बिहेव कर रहा है स्क्रैच को होने नहीं दे रहा या अपने ऊपर होने दे रहा है या थोड़ा सा होने दे रहा है या डार्क स्क्रैच बनने दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है स्टोन की यहां पे लिखा है कि हार्डनेस ऑफ एनी स्टोन ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टोन की जो हार्डनेस होती है वो मेनली दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है पहला उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा है ऐसा अगर कई सारे तुमने देखे होंगे मैट कर तुम्हारे फोन के फोन के जो कवर आते हैं ना तो एक कवर आता है मैट कवर जिसके ऊपर स्क्रैच बहुत जल्दी लग जाता है एक कवर आता है जिसके ऊपर स्क्रैच लगता ही नहीं है ठीक है तो ये, ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन वो कौन से किस टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है वो जो आपका स्टोन है दूसरा है कि मिनरल की कितनी हार्डनेस है मिनरल की हार्डनेस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के ऊपर जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्डनेस ऑफ द स्टोन को हम लोग कौन से स्केल से मेजर करते हैं तो इसको हम लोग मोह स्केल से मेजर करते हैं किससे करते हैं बेटा इसको हम लोग मोह स्केल से मेजर करते हैं किसको हार्डनेस ऑफ द स्टोन को हम लोग मोह स्केल से मेजर करते हैं यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है आगे लिखा हुआ है कि फील्ड के अंदर हार्डनेस ऑफ द स्टोन को प्राप्त करने के लिए हम उसको या तो नेल से स्क्रैच करते हैं या उसको हम लोग नाइफ से स्क्रैच करते हैं क्या लिखा है यदि हम लोग फील्ड के अंदर चेक कर रहे हैं कि स्टोन हार्ड है या नहीं उसके लिए हम लोग या तो उस स्टोन को हैंड नेल uh, से स्क्रैच करेंगे या उसको हम लोग नाइफ से चाकू से स्क्रैच करेंगे ठीक है अब यहां पर बता रखा है फील्ड के अंदर की बात चल रही है अभी फील्ड के अंदर यदि आप नेल से स्क्रैच कर रहे हो तो जनरली हम लोग उसकी हार्डनेस दो लेकर के चलते हैं अगर वो नेल से स्क्रैच हो रहा है तो और यदि वो नाइफ से स्क्रैच हो रहा है तो जनरली उसकी बेसिक हार्डनेस को हम लोग सेवन लेकर के चलते हैं तुम बोलोगे सर क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं ये फील्ड की वैल्यूज हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया ठीक है ये दोनों जो वैल्यूज है ना ये आपकी फील्ड वैल्यूज हैं क्लियर है और समझ में आ गया कि एक सरफेस प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड करती है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के ऊपर और मिनरल की ये क्वेश्चन आते हैं बेटा स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और मिनरल हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद क्लियर कर दिया कि मोह स्केल से इसको मेजर करते हैं अगर फील्ड के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं हार्डनेस को तो स्क्रैच कर लेते हैं नेल या नाइफ से और उसके बाद हम लोग पता लगा लेते हैं ठीक है और उसके बाद स्क्रैचिंग जो होगी आपके पास में वो आप लोगों की दो ली जाएगी लगभग और जो स्क्रैचिंग अगर नाइफ अगर नेल से करे तो नाइफ से करे तो लगभग सात ली जाएगी आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है अभी से चिंता होने लगी क्लास कब होगी क्या होगी अरे थोड़ा धैर्य रखा करो क्लास के लिए है ना और देखो जो

स्टोन हार्डनेस और रिमार्क मतलब हार्डनेस किसके ऊपर है बेटा ये मोह स्केल के ऊपर ठीक है किसके ऊपर है मोह स्केल के ऊपर है हार्डनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे कि मोह स्केल के ऊपर इसकी हार्डनेस क्या होती है तो देखो पहला है टल्क फिर है जिप्सम मार्बल फ्लोराइट एपिटाइट उसके बाद में ऑर्थोक्लेज़ क्वार्ट्ज़ टोपाज़ सैफायर एस कीजिएगा कोरुंडम भी याद रख सकते हो आप लोग कोरुंडम भी याद रख सकते हो

तो मार्बल आपका स्क्रैच नहीं होता थम से बट इजीली स्क्रैच बाय नाइफ लेकिन चाकू से बड़े, बड़े इजीली आपका स्क्रैच हो जाता है फिर चौथा देखेंगे आपके पास चौथा लिखा हुआ है आपके पास में मार्बल हाँ, और कैल्साइड इसके लिए लिख सकते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा भाई मैं मार्बल या कैलसाइड भी यहां पे लिख सकता हूं कैलसाइड के लिए भी हो सकता है ठीक है अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास फ्लोराइड की बात करूंगा तो नाइफ को Uh, लिखा है कैन बी कट बाई नाइफ विद ग्रेटर डिफिकल्टी नाइफ से हम लोग बहुत ही मुश्किल से इसको काट पाते हैं कैलसाइड के कंपेरिजन में कैलसाइड मतलब ये रख कैलसाइड या मार्बल ठीक है आगे लिखा हुआ है एपेटाइट uh, एपेटाइट में कि इसको हम लोग कट ओनली विद डिफिकल्टी बाई नाइफ नाइफ से चाकू से ही काट सकते हैं नाखून से कुछ नहीं कर सकते लेकिन बड़े मुश्किल से नेक्स्ट आप है आपके पास ऑर्थोक्लेज कैन बी कट बाई नाइफ चाकू से काट सकते हैं विद ग्रेटर डिफिकल्टी ऑन थिन एजेस पतले किनारों पर हम लोग इसको चाकू से काट सकते हैं नेक्स्ट है आपके पास में क्वार्स क्वार्स का सेवन इसको हम लोग स्टील uh, लिखा हुआ इसमें, steel, scratch, मतलब है इसमें नॉट स्क्रैच स्टील स्क्रैचलेस ग्लास मतलब स्क्रैचलेस ग्लास स्टील से हम स्क्रैच नहीं बना सकते नेक्स्ट लिखा है, टोपास, टोपास भी धीरे धीरे फिर इसको और ज्यादा स्क्रैच करने में दिक्कत आएगी फिर इसको और ज्यादा स्क्रैच करने में दिक्कत आएगी और लास्ट में लिखा हुआ है डायमंड डायमंड आपका किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में स्क्रैच नहीं होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है बेटा क्लियर समझ में आ गया क्लियर समझ में आ गया बिल्कुल सही कहा आपने फेट्स पर भी ले सकते हो इस जगह पे ओके ओके तो देखते हैं तो एक बार ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई हैं इनको आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग टफनेस क्वेश्चन टफनेस टेस्ट आ गया आपके पास में

करते हैं रिजल्ट की बात करेंगे मेनली तो आपके तो रिजल्ट क्या होंगे यदि तेरह से कम है आपका टफनेस इंडेक्स तो स्मूथ या सॉफ्ट स्टोन है।, है. तेरह से उन्नीस है तो आपका मॉडरेट टफ स्टोन है और उन्नीस से ज्यादा है तो वेरी टफ स्टोन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देख रहे हो आप लोग पूरे इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टोन वाले चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसी के अंदर से बता रहा हूं मैं इस सिर्फ इसी के अंदर से आपको कम से कम नहीं तो आपको आराम से बता रहा हूं तीन सौ से चार सौ क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से इसी चैप्टर से चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं

उसके बाद आपने क्या किया 24 घंटे के लिए उसको एक पानी में डुबो करके रख दिया कितने घंटे के लिए 24 घंटे के लिए पानी में डुबो करके रख दिया पानी में डुबो करके रखने के बाद जब उसको बाहर निकाला आपने तो सी बात है उसका वजन बढ़ चुका होगा ठीक है बढ़ चुका होगा तो हमने क्या किया फिर फाइनली उस वजन को जो पानी में डुबो करके रखने के बाद जो तोला तो उसको हमने डब्लू टू कह दिया तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ हम लोग वाटर एब्जॉर््शन कैसे निकालेंगे उसने कितना पानी को एब्जॉर्ब किया तो आंसर आएगा W2 टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्लू वन इन टू हंड्रेड मतलब कि डब्ल्यू

So, सही है तो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा. क्या जाएगा? 20 आपके पास आ जाएगा. क्लियर को तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं है. है. है कि अच्छे बिल्डिंग स्टोन के अंदर वाटर एब्जॉर्शन कैपेसिटी जो होती है वो कभी भी पांच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब कि वो अपने वजन के पांच से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में ठीक है समझ में आगे बात चलिए सर बहुत बढ़िया किसी कोई भी स्टोन 10 परसेंट से ज्यादा पानी को कर लेता है तो उसको फिर हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं।, ठीक है? ठीक है? है? Okay. Okay. हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां द स्टोन बाई वॉल्यूम मतलब बाई वॉल्यूम स्टोन को मैं देख रहा हूं तो सभी स्टोन का यहाँ पे कैपेसिटी बता रखी है जैसे सेंड की टेन लाइम स्टोन की टेन होती है ग्रेनाइट को बहुत अच्छा स्टोन मानते हैं क्योंकि इसकी एक वन होती है वाटर ऑब्जॉप कैपेसिटी उसके बाद आ, ट्रैप की सिक्स शेल की टेन गनीस की वन स्ले, आ, स्लेट है यह आपका स्लेट की भी वन होती है स्लेट भी एक अच्छा पत्थर माना जाता है ठीक है और उसके बाद में क्वारजेड की थ्री ये क्वेश्चन ध्यान रखो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है आपसे ठीक है ये टेबल आपको याद रखनी है भाई मैंने आपको अपने एंड से जितना बेस्ट बता सकता हूँ आपको बता रहा हूँ आगे कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो सब आपकी जिम्मेदारी बनती है ठीक है चलिए सर आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हैं हम लोग नेक्स्ट है आपके पास में सर दैट इज द एक मिनट दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट <laughs> कौन सा टेस्ट है आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट अब देखेंगे सर व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है एक अच्छी बिल्डिंग स्टोन के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आप लोगों को कितनी होती है दैट इज 2.5 से 3 आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसे आप ध्यान रखेंगे अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दो तरीके की होती है बेटा ये आपने जरूर पढ़ा होगा लेकिन एक नई चीज आपको पढ़ा रहा हूं मैं ये आप लोगों की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 होती है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरीके की होती है पहली होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरी होती है आपके पास अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एस कोड वन वन टू फोर नाइनटीन सेवेंटी फोर के अनुसार वी जनरली टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग लिखा हुआ है जनली तो. हम लोग टू पॉइंट थ्री तक भी इसको कंसिडर करते हैं और ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आई एस कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और लास्ट में एक चीज लिखी हुई है कि मार्बल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपके पास कितनी है टू पॉइंट सेवन टू होती है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है स्टेट जे एग्जाम के अंदर ठीक है ओके बेटा टेस्ट पहले पूरे तो हो जान दो बेटा क्या नाम है तुम्हारा सुहाग नाम सुहाग नाम भाई पहले क्वेश्चन तो तब करवाऊंगा ना जब चीजें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा <coughs> है ना और मुझे पता है कब कहां कराना क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग आराम से बस पढ़ो बैठ के नेक्स्ट देखते हैं बेटा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अब देखो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर ना चार तरीके के टेस्ट होते हैं पहला टेस्ट स्मिथ टेस्ट एसिड टेस्ट ब्रेड टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन ये जो टेस्ट है ना एसिड टेस्ट ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला पहले पहले कराया था यह वाला वही टेस्ट है, कौन सा है? टेस्ट। टेस्ट में कुछ नहीं होता आप लोग स्टोन को उठाओ हाथ में उस स्टोन को आप लोग क्या कर दो एक पानी के अंदर डुबो करके रख दो थोड़ी देर के लिए फिर रख दो पानी के अंदर यदि पानी थोड़े समय में क्या हो जाता है गंदा हो जाता है तो इसका मतलब उस पत्थर के अंदर मैटर थे मतलब कि घोल गुल, घुलनशील पदार्थ मौजूद थे जो कि पानी में घुल गए पानी को गंदा कर दिया यदि वो पानी में थोड़े समय रखने के बाद यदि पानी अभी भी साफ रहता है इसका मतलब उसमें सोल्युबल मैटर उपस्थित नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं सर टेस्ट समझेंगे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड टेस्ट के बारे में ठीक है पढ़ चुके हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा वाला क्या आपके पास में ब्रेड टेस्ट या आपको डायरेक्ट याद कर लो रिपल्शन के लिए किया जाता है रिपल्शन पावर ऑफ स्टोन फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसके अंदर जो बर्फ वगैरह जम जाती है तो उसके रिपल्शन पावर के लिए हम लोग किसका करते हैं ब्रेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं फिर क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाती है जब आपके स्टोन uh, के अंदर तो उसको क्रिस्टल फॉर्मेशन टेस्ट कहते हैं जैसे कि परसेंटेज चेंज इन सैंपल मतलब कि इसके वॉल्यूम में या वेट में उसका कितना आ गया क्रिस्टल फॉर्मेशन के कारण वो देखते हैं तो w1 w2 w1 100 ये आपको बता रहा है w1 क्या है ड्राई वेट का ऑफ द स्टोन w2 क्या है वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर पुटिंग द सैंपल इनटू द na2so4 सॉल्यूशन फॉर 16 टू 18 आवर्स मतलब na2so4 के सॉल्यूशन में 16 से 18 घंटे रखने के बाद जो सैंपल का वेट है उसे w2 कहेंगे क्या कहेंगे उसे उसे हम लोग w2 कहेंगे ओके ओके क्लियर है सभी को क्लियर समझ में आ गया बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा टेस्ट बेटा कौन सा टेस्ट पूरा नहीं हुआ सब तो हो गए टेस्ट पूरे

ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बेटा डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्या कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे और सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर फिलिंग ऑफ द क्रैक्स क्रैक्स को फिल करने के लिए हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दूसरा केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है तो इसका एग्जाम्पल आपका आंसर जिप्सम आएगा सीधे बता रहा हूं डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बता रहा हूं ठीक है डैम और रिजर्वायर के लिए हम लोग हैवी स्टोन का इस्तेमाल करते हैं आर्च डोम डेकोरेटिव वर्क के लिए हम लोग लाइट स्टोन का इस्तेमाल करते हैं रूबल मैसनरी के अंदर हम लोग हार्ड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं हाइड नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया रूबल मैसनरी में बेटा लाइट स्टोन का, का इस्तेमाल करते हैं इसको सही लिख देते हैं रूबल मैसनरी में हम लोग लाइट स्टोन का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा रूबल मैसनरी में हम लोग लाइट स्टोन का लाइट light...

ग्रेनाइट के मेन मिनरल पूछे तो ग्रेनाइट के मेन मिनरल कौन से है? आपके क्वार्ट्स, फेल्सफर और माइका तीनों आपके मेन मिनरल कहलाते हैं ठीक है चलिए सर आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्वार्टजाइट इज रिस्पॉसिबल अब इसमें ये बता रहा है कि जो तीन आपके पार्ट हैं क्वार्टजाइट फेल्फर और माइका इसके अंदर जो है वो है किसके लिए स्ट्रेंथ के लिए, लिए जबकि दोनों और कलर के लिए क्या है जिम्मेदार हैं ठीक है क्लियर समझ में आ गया आगे एक और क्वेश्चन में डायरेक्ट है, है आपके पास में यूज ऑफ द ग्रेनाइट ग्रेनाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर स्टेबिलिटी परपज इसका इस्तेमाल हम लोग स्टेबिलिटी पर्पज के लिए करते हैं जैसे कि अबिटमेंट पायर व्हीयर रिजर्वा सॉरी रिटेनिंग वॉल और अदर हैवी स्ट्रक्चर जितने भी हैवी स्ट्रक्चर होते हैं मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी के अंदर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ठीक <coughs> है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास स्पेलिंग हैमर तो स्पेलिंग हैमर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है रफ स्टोन की ड्रेसिंग में हम लोग स्पेलिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कट्स तो हार्ड स्टोन को कट करने के लिए कट सॉ का इस्तेमाल करते हैं एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में सोल्यूबल साल्ट मौजूद नहीं होना चाहिए यह भी आधार रखने वाला क्वेश्चन है ट्रैप का मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वैल्यू आपको बता रखी है। शेल की मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वैल्यू आपको बता है अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 1730 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कह रहा हूं सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट 1730 डिग्री सेल्सियस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिलिका इन सैंड मतलब कि सिलिका के सैंड में प्रेजेंस होने के कारण से आपका यहां पे बेसिक भाषा में बताने की कोशिश करता हूं देखो यहां पे सिंपल ये लिखा हुआ है <coughs> इतना सारा डेटा कैसे याद रहेगा बेटा क्वेश्चन से याद रहेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे डेटा उतना ज्यादा याद रहेगा मैं आपको क्या बता रहा हूं सिलिका जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट है सत्रह सौ तीस डिग्री सेल्सियस अब सिलिका हाँ, के प्रेजेंट होने के कारण से सेंडस्टोन जो होता है वो अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे दूध है सॉरी पानी है पानी सौ डिग्री पे उबलना चालू कर देता है लेकिन सिलिका 1730 पे तो मेल्टी होता है सिर्फ तो जब मेल्टी इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और सिलिका किस में मौजूद है सैंडस्टोन के अंदर तो सैंडस्टोन भी जब उसको गर्म करोगे या गर्म हो रहा है ना तो वो अपने बॉन्ड को तोड़ता नहीं है बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा तो पिघलना तो बहुत दूर की बात है पहले तो ये बॉन्डी नहीं तोड़ रहा तो कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए हम लोग इसलिए आपको ध्यान होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पैक्ट सेंड जो होता है वो बेस्ट फायर रजिस्टेंस स्टोन माना जाता है क्या माना जाता है बेटा कॉम्पैक्ट सेंड जो होता है वो बेस्ट फायर रजिस्टेंस स्टोन की कैटेगरी में आता है और बेटा कल से ये जो क्लास है ना वो हम लोग कोशिश करेंगे ढाई ढाई घंटे की क्लास रहेगी रेगुलर ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम कम है और मैं कुछ भी चीज छोड़ना नहीं चाहता एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मैं सब कुछ बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी बन जाएगा और वो अगर मैं छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो शायद कल की क्लास में हम लोग अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर करेंगे कि जैसे हमारा एक लाइन वाला छोटा सा टॉपिक रह गया है वो भी मुझे एक्सप्लेन करना है इसका भी जो आपका स्टोन मैस्टरी वाला पार्ट है वो भी अभी रह जाएगा तो उसको भी मैं कराऊंगा तो कल ना मैं इनको कवर कर लूंगा क्योंकि ऐसे फिर काफी चीजें हैक्टिक हो जाएंगी ठीक है ना ओके तो कल से ढाई घंटे क्लास करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फायर एस्टेंस तो इसमें लिखा है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन स्टोन जो होता है वो हाइएस्ट फायर एक्स्टेंस स्टोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट अब इससे एक बात समझ में आ जाती है एक अच्छी बिल्डिंग स्टोन जो होती है ना वो प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस स्टोन होती है तो अगर एक अच्छी बिल्डिंग जो कि प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस आपको बनानी है तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कम से कम मात्रा में मौजूद होना चाहिए और सिलिका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मौजूद होनी चाहिए तो यहां पर एक आपके पास सीक्वेंस भी लिखा हुआ है कि सिलिशियस रॉक सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस होती है उनसे कम आपकी आर्जिलीसियस और सबसे कम आपके पास में होती है कैल्सीरियस रॉक तो ये जो रॉक है ना ये कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर बता रखा है फायर रेजिस्टेंस का इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है ये मैंने पहले ही बता दिया था पर तो ये आपको याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मतलब की सीधी भाषा में याद रखना है कि जिसके अंदर सिलिका मौजूद है उस जगह पर फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसकी जबरदस्त रहेंगी ठीक है इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कुछ मिनल्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके पास

क्लोराइट, ऑलिबिन सरपेंटाइन फेल्ड पर क्वार ये तीनों तो आपको याद ही है वैसे भी उसके अलावा सरपेंटाइन ऑलिव क्लोराइट और ओगाइट ये सभी आपके क्या है ये इग्नियस रॉक के मिनरल्स हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल हैं कौन कौन से कैल्साइट, डोलोमाइट लिमोनाइट और जिप्सम मैंने बताया था ना जिप्सम एक मिनरल भी है और जिप्सम एक रॉक भी है ठीक है तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है क्लियर है सभी को बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे देखो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कौन सी चीज मैं आपको बता देता हूं मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के ऊपर जो आप पढ़ लेना है पूरे चैप्टर का मैंने समरी यहां पे दे रखी है पूरा चैप्टर को मैंने समराइज कर रखा है कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं एक बार उसको आप पूरा खुद से पढ़िएगा क्योंकि मैं नोट्स के अंदर सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चीज का डीप एंड डिटेल नोट्स लेकिन आप लोगों को जो अभी बता रहा हूं

ट्रैप कैसी रॉक है मतलब हर कैटेगरी बताइए मैंने ये मैंने खुद से बना के तैयार किया है ताकि आप लोगों को बेस्ट चीजें मिले जैसे इग्नियस वॉल्कन एक एक्सक्लूसिव सिलीसियस दो बार लिख दिया एक्सक्लूसिव अनस्टेटिफाइड और अल्ट्रा बेसिक रॉक की कैटेगरी में आता है और ट्रैप फिर इसके यूजेस लिख दिए तो आई होप आप इसको पढ़ लोगे जैसे सभी अलग अलग बेस्ट बेस्ट जो स्टोन है उनके बता रखे हैं इवन, इवन, इवन हैं। र, र, ये बता रखा है रेड फोर्ट वगैरह ये सभी सेंड स्टोन से बने हुए हैं ठीक है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया लैम स्टोन मार्बल लेटराइट सब कुछ आपके पास क्या होता है सारी चीजें मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखी है ठीक है ये हर एक चीज को मैंने सॉरी ये हर एक चीज को मैंने आप एक्सप्लेन कर रखा है इवन सर्पेंटाइन वगैरह हर एक जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे आप एक्सप्लेन हो रखे हैं ओके क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को गॉट इट ना ओके okay, यहां तक जल्दी से मुझे बता देंगे सभी लोग यहां तक सभी को समझ में आ गया है या फिर नहीं आया जल्दी से बताएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके क्या क्या होते हैं यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे फिर कल से आ, या तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर देंगे अभी स्टार्ट कर लेते हैं स्टोन मेस्टरी को मैं आपको अभी समझा दूंगा ज्यादा बड़ी नहीं है छोटी सी है स्टोन मेस्तरी बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट है आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा ठीक है दस पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा लेके कंप्लीट करेंगे सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आपके पास मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है तीस सेकंड का टाइम हम लोग लेंगे आंसर बताएंगे क्या होती है जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा आप लोगों का और देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं स्टोन के अंदर जो आप लोग पढ़ सकते हो चाहो तो एक्स्ट्रा टाइम जैसे कि आर्टिफिशियल स्टोन जैसे रेंसम स्टोन होता है गार्लिक स्टोन होता है किसी ने सुना है आर्टिफिशियल स्टोन के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तो उनके नोट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे आप उनको पढ़ लेना ठीक तो है, है? तो है. इसका आंसर क्या आ जाएगा बीस का यहाँ सही आंसर जो है हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड वर्क में जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस क्या होना चाहिए तो मैंने बताया था चौदह से यदि कम है तो आपका सॉफ्ट स्टोन होता है यदि 14 से 17 के बीच में है तो उसको हम लोग मीडियम हार्ड स्टोन बोलेंगे और यदि वही वैल्यू आप लोगों की 17 से ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे हार्ड स्टोन कहेंगे और हार्ड स्टोन का यूज ही किया जाता है बेटा रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है कहा किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या आंसर देंगे इस जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इसका आंसर ए यहां पे सही हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन या फिर एक अच्छे स्ट्रक्चरल स्टोन के अंदर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो आपके पास किससे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द मोर देन आपके पास किससे ज्यादा होनी चाहिए तो आंसर क्या आएगा बेटा हंड्रेड एमपीए इसका यहाँ सही आंसर होगा ठीक है क्या आंसर आएगा हाँ चलेगी अभी

नोट्स के अंदर डाल दिए क्या क्या है सर देखो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने आर्टिफिशियल स्टोन क्या होता है आर्टिफिशियल स्टोन में कंक्रीट ब्लॉक रेंसम स्टोन विक्टोरिया स्टोन बिटमन स्टोन इंपीरियल स्टोन आर्टिफिशियल स्टोन और गार्लिक स्टोन ये सभी आप लोगों को पढ़ने हैं आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दे दी गई है चलिए स्टार्ट करते हैं सर हम लोग स्टोन मैशनरी के बारे में देखिएगा एक बार लिखा हुआ है स्टोन मैस्री एक टाइप की बिल्डिंग मैस्री यहाँ समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आपके दिल, आपका प्यार मोहब्बत दिख जानी चाहिए कि आपको यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया है नोट्स पर मिलते हैं उसके लिए पहली बात तो आप लोग इस चैनल को चैनल को को फॉलो कर लें टेलीग्राम जो मैंने बताया था आपको पहले बात तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें सभी लोग अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको प्रॉपर वे में तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टोन मैस्री के बारे में बात करेंगे क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे स्टोन मैस्री एक टाइप की बिल्डिंग मैशनरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं पहला स्टोन का और दूसरा मोटार का मोटार क्या चीज होती है बेटा तो मोटार आपके पास में सीमेंट हो या लाइम हो सकता है सीमेंट या लाइम हो सकता है एज अ बाइंडिंग मटीरियल प्लस सेंड हो सकती है ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन बेसिक मोटार बता रहा हूं और वाटर सीमेंट सेंड और वाटर जैसे घरों में हम लोग मसाला कहते हैं प्लास्टर करते हैं ना दीवारों पे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है चलिए

फालतू का डाउट आएगा ना तो समझदार हो तुम चलो आगे बात कर लेते हैं देखो सबसे पहली बात तो कि सर स्टोन मैशनरी जो होती है वो स्टोन मैशनरी बिल्डिंग मैशनरी होती है जिसमें हम लोग स्टोन और मोटार दोनों का इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं स्टोन और मोटार दोनों का इस्तेमाल करते हैं बेटा लगभग बीस तीस क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ओके आगे देखेंगे एक बार ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है इसका इस्तेमाल बिल्डिंग फाउंडेशन बनाने में फ्लोर्स बनाने में रिटेनिंग वॉल्स बनाने में आर्चेस बनाने में वॉल्स बनाने में, में कॉलम्स बनाने में किया जाता है आगे लिखा है स्टोन जो मेसनरी में यूज किया जाता है वो नेचुरल रॉक से प्राप्त किए जाते हैं मतलब चट्टानों से प्राप्त किया जाता है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है ओके okay. आगे देखते हैं ज्यादा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दीज नेचुरल रॉक्स आर कट एंड इन द प्रॉपर शेप ये जो आपके पास रॉक होती हैं इनसे जो पत्थर मिलता है उससे हम लोग प्रॉपर शेप और साइज में हम लोग कट करते हैं उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं उनको कंस्ट्रक्शन में या मेसनरी में यूज करने के लिए मैसनरी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब है पत्थर की चिनाई ठीक है पत्थर की चिनाई हम लोग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग मेनली बात कर रहे हैं ठीक है समझ में आ गई कहानी अब आगे लिखा हुआ है स्टोन आर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल जो स्टोन होते हैं वो मोस्ट ड्यूरेबल और बेस्ट बिल्डिंग मटीरियल आपके माने जाते हैं कौन स्टोन स्टोन आर द मोस्ट एंड बेस्ट बिल्डिंग मटीरियल जिनकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है तो बेसिक क्या समझ में आया कि स्टोन मेसनरी सर क्या है ये ये पत्थरों को मोटार के साथ में छीनने की एक प्रॉपर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग बनाने में रिटेनिंग वॉल वॉल बनाने 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 में बनाने में बनाने में आर्च कॉलम में ऐसी जगह पर हम लोग करते हैं ठीक है ओके अब आगे लिखा हुआ है कि स्टोन जो होते हैं मेसनरी में जनरली उनको हम लोग रॉक से यानी चट्टानों से प्राप्त करते हैं उसके बाद उनको प्रॉपर शेप और साइज में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली हम उनको यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा यूज करने का रीजन क्या है क्योंकि वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और उन स्टोन का जो स्ट्रॉगनेस है स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है आगे देखें एक पॉइंट लिखा हुआ इस जगह पे ये बेसिक चीज समझ लीजिए बहुत आसान है पहली बात कोर्स क्या होता है जैसे हम पत्थरों को या ईंटों को बिछा रहे हैं तो जो एक हॉर्जोंटल हमने बिछाई समझ लो जैसे पत्थरों को हम लोग बिछाते हुए चले गए क्या कह रहा हूं मैं जैसे हम लोग पत्थरों को बिछाते हुए चले गए या फिर हम लोग रॉक्स को बिछाते हुए चले गए तो पत्थर या रॉक सॉरी पत्थर को या फिर ब्रिक को तो पत्थर या ब्रिक को बिछाते हुए चले गए तो पत्थर या ब्रिक का एक जो हॉर्जोंटल लेयर होती है उसे हम लोग कोर्स कहते हैं तो कोर्स क्या लिखा हुआ है आपके पास में ए कोर्स इज अर्जोनटल लेयर ऑफ ब्रिक और स्टोन ब्रिक या स्टोन की जो एक हॉर्जोंटल लेयर होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं

कोर्स कहेंगे और इसे दूसरा कोर्स कहेंगे इसे तीसरा कोर्स इसे चौथा कोर्स ठीक है समझ में आ गया दूसरा आपके पास बेड क्या है तो ये जो आपके पास में कोर्स है ना इसका जो निचला सरफेस है इसे हम लोग बेड कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग बेड कहते हैं समझ में आ गया अब बैक और फेस और समझ लेते हैं जैसे ये दीवार है अब इस दीवार को मैं यहां से सामने से देख पा रहा हूं मतलब कि दीवार का या वॉल का वो हिस्सा जिसे हम जो कि मौसम के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है घर की वो वाल दीवार का वो हिस्सा जो बाहर से देखा जा रहा है तो उससे हम लोग बोलेंगे बैक और जिस मटेरियल से बनेगा उसको बैकिंग कहेंगे फेस की बात करूंगा तो इस दीवार के पीछे की तरफ जो अंदर की तरफ है जैसे इस कमरे में हूं तो जो मुझे दीवारें दिख रही हैं हैं ये सभी बैक बैक है और जो बाहर से दिख रहा होगा वो इसका फेस है समझ में आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस बोलते हैं क्लियर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे यहाँ तक कि आपके पास में क्या लिख रहा है जल्दी से बताएं क्लियरली आप मुझे कि यहाँ तक आप लोगों को जो बताया मैंने वो समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताएंगे एक बार ओके उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन मेस्टनरी क्या है तो देखो जनरली हम लोग दो तरीके की स्टोन मेस्टनरी देखते हैं पहली जो स्टोन मेस्टनरी है वो है आपके पास में स्टोन मेस्टनरी ऑफ द जिसमें हम लोग मोटार का इस्तेमाल करेंगे पहली है रूबल मेस्टनरी और दूसरी है एसलर मेस्टनरी क्या है आपके पास में ठीक है बीएमसी बेटा आपके पास में कम से कम पंद्रह से बीस या पच्चीस नंबर का आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है ठीक है चलिए ओके नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास में

ठीक है यहां पर आपके पास में ये जो ड्रेस मैसेजरी जो है ये आपकी है मतलब इसमें हम लोग स्टोन को बढ़िया तरीके से उसकी ड्रेसिंग करते हैं उसके बाद हम उसको करते हैं ठीक है यूज चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि रूबल मेसनरी क्या है थोड़ा पढ़ के देखिएगा समझिएगा एक बार में आ जाएगा समझ में बहुत बहुत ईजी है सबसे पहले क्या लिख रहा है दिस इज द दिस इज द स्टोन मेसनरी टाइप वेयर स्टोन एम्प्लॉयड आर आइदर अंड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड मतलब की ये मैसनरी का एक ऐसा टाइप है जहां पे स्टोन को हम लोग क्या करते हैं या तो या रफली मतलब ये स्टोन मैसनरी का ऐसा टाइप है जिसके अंदर हम लोग पत्थर को या तो ड्रेसिंग करते ही नहीं है या फिर अगर ड्रेसिंग करते हैं तो बहुत ही रफली ड्रेसिंग करके उसका इस्तेमाल करते हैं आगे लिखा है दीज मैसनरी कंस्ट्रक्शन डू नॉट है यूनिफॉर्म थिकनेस इस मैसनरी के अंदर दीवार जो होती है ना जो दीवार बनती है इन पत्थरों से उनका युन... <coughs> यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब उनकी कोई प्रॉपर थिकनेस नहीं होती है पानी नहीं है क्या आज तो बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते तो इसकी जो थिकनेस है बेटा वो एक जैसी नहीं होती बेटा ये खत्म हो जाएगा मुश्किल ये देखते ही समझ में आ जाएगा बहुत बेसिक है जोर मार लो बेटा ढाई घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना ढाई घंटे मैक्स पंद्रह मिनट में कंप्लीट कर देंगे चलिए तो मैंने क्या बोला कि ये जो मैसनरी है आपकी ये आप लोगों की एक रफ मैसनरी है जिसमें या तो पत्थर को रफली ड्रेस करेंगे करेंगे ही नहीं इनकी दीवारों की जो थिकनेस होती है ना वो प्रॉपर थिकनेस नहीं होती मतलब हर जगह से अलग अलग होती है क्यों होती है वो आगे आप आप लोग को पढ़ेंगे नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द रूमल मैसनरी इज इनडिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ये लिख रहा है इज डिपेंडेंट ऑन द पहला मोटार की क्वालिटी का है जिससे हम लोग इसकी चिनाई कर रहे हैं दूसरा लॉन्ग अब समझ इस बात को। मतलब एक तो दीवार जैसे सामने से दीवार तो है जिसपे हम लोग पढ़ा रहे हैं जिस दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है तो ये एक दीवार है लेकिन मैं इसको साइड का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ दीवार की मोटाई मान लो इतनी है तो दीवार की मोटाई में यहां से यहां तक थ्रू आउट थ्रू आउट द डेफ ऑफ द वॉल या फिर क्या हो गया थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल इस पूरी दीवार की मोटाई के जितना एक बड़ा पत्थर होता है जो इसकी पूरी दीवार में आर पार जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ स्टोन बात समझ में गई तो ट्रफ स्टोन इस का इस्तेमाल करें या फिर प्रॉपर फिलिंग ऑफ बिटवीन द स्टोन स्पेस एंड ज्वाइंट मतलब जहां पे स्पेस बन जाए उल्टा सीधा शेप का होता है स्टोन तो तो उसके बीच में जो गैप है उनको मोटर स्टोन से हम प्रॉपरली फिल कर रहे हैं इस इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेंथ किसकी रूबल मेसनरी की अभी देखिएगा अभी देखिएगा एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग रूबल मेस्टनरी आपके पास चार तरीके की होती है पहली ड्राई रूबल मेसनरी नाम से पता चल रहा है कि इसमें मोटार का इस्तेमाल नहीं होगा दूसरा अनकोर्स रूबल मेसनरी मतलब इसमें कोर्स नहीं दिखते हैं प्रॉपर तरीके से कोर्स का मतलब हो, जो जो आपके लेयर होती दो कोर्स इसमें कोर्स प्रॉपर दिखने लगते हैं और लास्ट में स्क्वायर अनको ड्रुबल मैस्तरी चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके डायग्राम भी बताऊंगा सबसे पहले आपके पास में बेटा नाम से डायग्राम से डायग्राम सबको समझ में आ जाएगा जोर लगा के थोड़ा सा पढ़ लो देखो क्या लिख रहा है ड्राई रुबल मैस्तरी आपके पास में क्या होती है तो ये नाम से पता चल रहा है दिख भी रहा है इस जगह पे इसकी थिकनेस देख रहे हो दीवार है ये टेढ़ी मेढी दिख रही होगी दीवार साथ साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस दीवार में कोई कोर्स वोर्स नहीं है ये उल्टी सीधी दिख रही है लेकिन आपको ये चीज भी दिख रही होगी कि यहाँ पे मोटार का इस्तेमाल नहीं किया गया ठीक है तो यहां पे लिख रहा है आपने देखा होगा कई बार रेगिस्तान वाली जगहों पर भी ऐसा देखने को मिलता है कई बार बॉर्डर वगैरह पर देखा होगा आपने ठीक है तो यहां पे क्या लिखा हुआ है दीज आर आपकी रूबल मेसनरी कंस्ट्रक्शन होती है परफॉर्मड विदाउट द यूज ऑफ मोटार इसमें हम लोग मोटार का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस मैशनरी के अंदर यही इसका मेन है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा ऐसी मेशनरी जिसमें मोटार का इस्तेमाल नहीं होता उसको क्या कहते हैं ड्राई रूबल मेसनरी कहते हैं ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट

को देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं दिस इज द डायग्राम अनकोर्स डुबलरी मतलब इसमें कोर्स नहीं बनाए जाते हैं इसका पूरा डिटेलिंग लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है देखें पढ़ें एक बार अनकोर्स इज द चीपेस्ट एंड रफेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन स्टोन ये stone का सबसे रफेस्ट फॉर्म है क्या है स्टोन मेस्टरी का सबसे रफेस्ट फॉर्म है दिस कंस्ट्रक्शन यूज स्टोन ऑफ द शेप इसमें अलग अलग शेप और साइज के पत्थरों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ठीक है और ये स्टोन ये क्या होता है डायरेक्टली हमने पत्थर निकाला चट्टानों से डायरेक्टली

इसमें आपके पास देखो डायग्राम देखो एक बार इसमें आपको दिख रहा होगा इसको छोड़ दो अभी ये आपके पास में क्या है ये एसलर है नीचे वाली वाली ऊपर देखो पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे आपको एक लेयर दिख रही होगी ये लेयर दिख रही है एक एक ये 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 लेयर दिख लेयर दिख दिख रही रही है ये क्या है है आपको क्या बेटा आपके कोर्स हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़े एक बार कि इन द कोर्स नाम से पता चला है कोर्स डुबल मेसनरी में स्टोन को पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इक्वल हाइट पे रखा जाता है मतलब कि अगर इतना मोटा कोर्स है ना तो इसमें सारे स्टोन को इक्वल हाइट पर रखा जाएगा तब जाके एक कोर्स आपका बनेगा फिर एक दूसरा कोर्स बनेगा फिर एक तीसरा कोर्स बनेगा मतलब पहले वाले में तो ड्राई मोटार वाले में तो मोटार का इस्तेमाल नहीं किया और यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं थी दूसरे वाले में क्या किया अनकोस्ट मतलब उसमें उल्ट अलग अलग शेप और साइज के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया उसमें कोई कोर्स दिखता ही नहीं है लेयर वगैरह नहीं दिखती तीसरा इसमें भी अलग अलग शेप और साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसमें प्रॉपर क्या बना रहे हैं इस जगह पे हम लोग यहाँ पे एक लेयर बंदी दिख रही है इसमें कोर्स बनता हुआ दिख रहा है ठीक है तो ये आपके पास में कौन सी है दिस इज द दिस इज द कोर्स डुबल मेस्टरी है ना और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास लास्ट वाला है दैट इज द स्क्वायर अनकोर्स डुबल मेस्टरी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं स्टोन को रफली ड्रेसिंग करते हैं तो लिखा हुआ इसमें दिस स्टोन आर मेड रफली स्क्वायर शेप पहले उनको रफली स्क्वायर शेप में बनाया जाता है और कंस्ट्रक्शन में किया जाता है फेसिंग स्टोन आर प्रोवाइडेड विद हैमर ड्रेस फिनिश इसको हैमर की सहायता से हम लोग इनकी फेसिंग फेस के ऊपर जो दीवार आपकी होती है सामने से उस उसपे हैमर वगैरह से जो एक्स्ट्रा पत्थर निकला होता है उसको तोड़ करके प्रॉपर तरीके का शेप दे दिया जाता है तो दिस इज द स्क्वायर मेस्तरी ठीक है तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम आपको एस्टलर भी पढ़ाएंगे एस्टर मेस्टरी बहुत ईजी होती है

कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को बढ़िया तरीके से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिए और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए कल हम लोग एस्लर मैशनरी से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है इसमें कोई दूसरी क्लास है इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास है तो मुझे यहाँ पर इसको ड्रॉप करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एंड तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया थैंक यू सो मच टेक केयर लव यू बाय